रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है. लेट मी शेयर माय स्क्रीन. लेट मी नो व्हेन यू कैन सी इट. आप लोग मेरी स्क्रीन देख सकते हैं? चलें. गुड गुड. अच्छा गाइस, बिफोर वी प्रोसीड एनी फर्दर ना, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट आवर प्रोजेक्ट. इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या है और इस प्रोजेक्ट करने का काम क्या है? ये प्रोजेक्ट होगा आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिहाज से. आप में से कितने दोस्तों को पता सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है? थोड़ा बहुत पता है सर, तो डिफिनेशन पता है. श्योर श्योर. नो वाइस, आप अपने लिहाज से बताएं जो आपको पता है. सोशल मीडिया के थ्रू जो मार्केटिंग होती है, जो एड्स, फेसबुक एड्स है, ट्विटर पे जो जी एड्स चलती है, इंस्टाग्राम एड्स है, गुड गुड. उस पे जो वो पोस्ट सोशल मीडिया होते हैं, मार्केटिंग में काम कंटेंट, करते शॉर्ट हैं. शॉर्ट कंटेंट्स जो होते हैं वो. श्योर. ठीक हो गया, ठीक हो गया. ये आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात की. अच्छा, मैं ना पहले आपको प्रोजेक्ट ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर उसके लिए हम थोड़ा बातचीत करते हैं. प्रोजेक्ट ओवरव्यू क्या है कि हमने एक सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी बनानी है एक फिक्टिशियस कंपनी जो कि असल में नहीं मौजूद, उसके लिए, जिसका नाम है PYUR स्किन केयर ब्रांड. हमने न्यूमरस रिसोर्सेज प्रोवाइड की गई हैं हमें, जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन है बिजनेस गोल्स के बारे में, कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, उन्होंने पास जो कैंपेन लॉन्च किए हैं उसके बारे में, और परफॉर्मेंस डेटा के बारे में, ऑडियंस पर्सोनास के बारे में, और दूसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी बनाने के लिए. इस स्ट्रेटजी के अंदर ऑर्गेनिक और पेड कैंपेन दोनों को हम बातचीत करेंगे, और इसकी मदद से पोर्टफोलियो आईडी मार्केटिंग प्लान बनाएंगे और प्रेजेंटेशन बनाएंगे जो ऑर्गेनिक और पेड स्ट्रेटजीज को फोकस कर रही होगी. अब सर, जो ये बातें हुई इनमें से हम देख लेते हैं हमें किन किन बातों को ऑलरेडी आइडिया और किन बातों को समझने की हमें जरूरत है. अच्छा बशाद भाई, एक बात बताएं कि सोशल मीडिया क्या होता है? सिर्फ सोशल मीडिया? सोशल मीडिया सर, जो वो मीडिया जिसके जरिए हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, दोस्तों के वो देखते हैं, जिंदगी के बारे में देखते हैं, गुड और गुड. फैमिली कोई एक भी दूसरे ऐसा के तरीका साथ जहाँ पे आप सोशली इंटरेक्ट कर रहे हो? सोशली इंटरेक्ट कर रहे जी हैं. जी बिल्कुल ऐसे. गुड, वेरी गुड. अच्छा मिस मदी है, आप बात कर सकती हैं? हेलो ओके आई गेस. साथ भाई आप हमारे साथ हैं? जी सर. ओके गुड. साथ में एक बात है कि अल्लाह भला करे, बिजनेस गोल्स क्या होते हैं? बिजनेस गोल वो गोल्स होते हैं जो हमारे हमारे बिजनेस के जो गोल्स होते हैं जो हमें अचीव करने हैं, जैसे कि हमारी अब कंपनी है वेरी गुड डिजिटल यार. मार्केट. जी सर. गुड हो गया. आवाज आ अच्छा रही है? जी जी आपकी आवाज आ रही है. बिजनेस गोल्स वो हो गए, कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे हमारे? हमारे कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो हम कैंपेन रन करते हैं उससे जो हम हासिल करना चाहते हैं वो वेरी हम गुड किस आंसर. लिए कर रहे हैं. बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया. चले बिशाद भाई आप बताएं, ऑडियंस पर्सोनास क्या होते हैं? ऑडियंस पर्सोनास सर, जो हम टारगेट कर रहे हैं लोगों को, उनकी जो हॉबीज होती है, उनकी पर्सनैलिटी, डेमोग्राफी क्या होती है, और गुड उनके गुड. उन उन लोगों के गोल्स क्या होते हैं, वो क्या चाहते हैं, इसको हम ऑडियंस पर्सोना कहते हैं. गुड हो गया. मिस बस आपने ज्वाइन किया है, सर आपकी परमिशन चाहिए होगी इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड दिस सेशन. काइंडली चैट में मुझे यस कहते हैं. जी सर. ओके गुड. अच्छा मिसबा भाई, बिफोर वी प्रोसीड आपसे जल्दी से एक बात पूछनी है. आपके पहले हो दूसरा प्रोजेक्ट हो गया है यहाँ पे आप कह रहे हैं? जी सर. आपका पहला प्रोजेक्ट क्लियर हो गया था? जी हो गया था, वो क्लियर था. और दूसरा? दूसरा नहीं अभी. चलो कोई बात नहीं. वैसे उसके कोई समझ आई थी या कोई टेंशन हो गया तो नहीं उसकी? नहीं नहीं सर, उसकी आती है समझ. चलो दैट्स गुड, दैट्स गुड. चले आगे हम प्रोसीड करते हैं क्लास के साथ. चले मिस्बा भाई आप बताएं, ऑर्गेनिक में और पेड में फर्क क्या होता है?
ऑर्गेनिक जो खुद बखुद यानी वेबसाइट पर कोई कीवर्ड बंदा सर्च करता है और गूगल से आता है, उसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं। ओके ठीक और पेड़, है पेड़ वो सर्चेस होते हैं जिसके लिए कंपनी एड्स वगैरह चलाती है, और फिर उस एड्स के वेरी थ्रू। गुड आंसर, गुड वेरी गुड जॉब। तो ऑर्गेनिक वो होता है जिसमें आप ऑटोमेटिकली रीच कर रहे हैं बगैर पे किए, खुद ब खुद डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, और पेड के अंदर पैसे दे के अपनी रीच को बढ़ाते हैं ताकि ज्यादा से लोगों तक आपका पैगाम पहुंचे, और आप उसके बदले में कंपनीज को जैसे फेसबुक या गूगल को पैसे देते हो, यार ये मेरे से इतने पैसे ले लो और ये मेरी चीज आप इतने लोगों को दिखा दो, ऐसी सर। जी सर, गुड हो गया, गुड हो गया। अच्छा अब गाइस हमें बेसिक कॉन्सेप्ट आइडिया हो गया कि हमने इसके अंदर जो चीजें हमने पढ़ी है, जो हमने करनी है, अब इंस्ट्रक्शंस देख लें क्या है। मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रही है? जी सर, शायद भी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी जी सर, ये प्रोजेक्ट ओवरव्यू। अच्छा सर, इंस्ट्रक्शन सही है सर। ओके गुड। अच्छा गाइस हमने ना जब आप ये प्रोजेक्ट करोगे तो इस प्रोजेक्ट की इंस्ट्रक्शन आपको वाली फाइल तेजी मुझे से नहीं नजर मिलेगी, नहीं आ आपको रही इसके सर। लिए रिसोर्सेज वाले टैब में आना पड़ेगा। रिसोर्सेज वाले टैब में आके एक्सक्यूज मी सर, अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों में आवाज आ रही है? जी आई डू अपोलोजाइज, मेरा इंटरनेट डिस्टर्ब किया था, कैसे मेरा कनेक्शन टूट गया। आकिब भाई आपकी परमिशन चाहिए होगी इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड द सेशन, सेशन रिकॉर्डिंग में है तो इसलिए आपकी परमिशन उसके लिए सर, चाहिए मैं होगी। मैसेज कर रहा हूँ, ओके थैंक यू। अच्छा मैसेज कर गाइस रहा हम हूँ। ना प्रोजेक्ट, ओके थैंक यू बड़ी, हम ना प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत कर रहे थे कि प्रोजेक्ट क्या है, उसे आपने कैसे अटेम्प्ट करना, उसके अंदर क्या चीजें आपको मिलेंगी। तो प्रोजेक्ट ये है कि आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी क्रिएट करनी है एक फिक्टिशियस ब्रांड के लिए जो कि असल में नहीं मौजूद। ये एक स्किन के एक ब्रांड होगा PYUR के नाम से, और इस प्रोजेक्ट को करने के लिए आपको जो चीजें मिलेंगी उसके लिए आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर आना है। प्रोजेक्ट के अंदर आके रिसोर्सेज का टैब है, इसको क्लिक करना है, और यहाँ पे थर्ड फाइल है ये वाली जिसका नाम है सोशल मीडिया PYUR प्रोजेक्ट स्टार्टअप फाइल्स न्यू। आप इसको क्लिक कर देंगे आपकी जिप की फाइल डाउनलोड होगी, जो आपकी जिप की फाइल डाउनलोड होगी उसके अंदर ये छह फाइलें मिलेंगी आपको। PYUR का प्रोफाइल विकी पेज मिलेगा, कैंपेन ब्रीफ मिलेगा, बायर पर्सोनास मिलेंगे, फेसबुक के डेटा सेट मिलेगा, और ऑर्गेनिक और पेड सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी टेम्पलेट मिलेगा। इस वाली फाइल के अंदर आपने सारा काम करके दिखाना है। नजर नहीं आ रही सर। यहाँ तक आप दोस्तों, ओ माय बैड, मैं शेयर कर देता हूँ, मुझे लगा स्क्रीन शेयर्ड है।
Please let me know when you can see my screen. जी सर अब नजर आई सही गाइस प्लीज लेट मी नो यू कैन सी माय स्क्रीन आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है यस सर नजर आ रही सर नजर आ रही सर चलें गुड हो गया ओके परफेक्ट थैंक यू ओके गाइस आई रिपीट माय सेल्फ आपने सोशल मीडिया पी वाई यू आर का प्रोजेक्ट स्टार्टर फाइल डाउनलोड करनी है डाउनलोड करने के लिए आप क्या करेंगे आप प्रोजेक्ट में आएंगे अपने तीसरे फाइनल प्रोजेक्ट के अंदर इसके अंदर आगे सोर्सेज का टैब क्लिक करेंगे और ये तीसरे वाली फाइल है इसको आप डाउनलोड कर लेंगे ठीक हो गया यहाँ तक सबको समझ आ गई यस गुड अब इस ये जब डाउनलोड करेंगे जिप फाइल के अंदर ये छह चीजें होंगी एक PYUR का प्रोफाइल विकी पेज होगा कैंपेन ब्रीफ होगा बायर पर्सोना की जिप फाइल होगी 3 मंथ का डेटा सेट होगा और ऑर्गेनिक और पेड सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी आपने बनानी इसका टेम्पलेट होगा ठीक है मैं आपको उसका फाइल दिखा देता हूँ मिसाल के तौर पर यह फाइल डाउनलोड करें उसके अंदर ये फाइल्स होंगी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना जी सर दिखाई दे रही गुड ओके तो एक आपका बायर पर्सोना होगा डेटा होगा पी वे कैंपेन ब्रीफ होगा आपका विकी पेज होगा और आपका ऑर्गेनिक होगा इन सब चीजों के अलावा आपको ऑलरेडी एक और चीज मिलेगी वो होगी इसकी वेबसाइट इस तरह के इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए आपने इस पे आना है अपने पेज के अंदर नीचे आएंगे आप और ये लिंक को क्लिक करेंगे आपकी वेबसाइट खुलेगी ये लव लग के आई थिंक प्रोजेक्ट ओवरव्यू के अंदर ये वाली आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको ये वाली वेबसाइट खुले मिलेगी ये लोड होने थोड़ा टाइम लेती है अब ये 6-7 फाइल्स को आपने यूज करते हुए क्या करना है आपने इन सब फाइल्स को यूज करते हुए एक सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी क्रिएट करनी है ठीक है जी ये बात आप सब दोस्तों को समझ में आ रही है यस जी गुड गुड ओके नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू समथिंग जो कि इस कोर्स का हिस्सा नहीं है अब ये मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ कि दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इमेंसली विद दिस कोर्स एंड इन योर रियल लाइफ एज वेल बट मैं ये फिर बता दूँ ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है अगर आप इसे नहीं करना चाहते नहीं समझना चाहते तो दैट्स टोटली फाइन बट व्हाट दिस विल डू इज दिस विल ग्रेटली एनहेंस ये कि भाई भी आप में से कितने दोस्तों ने सुना है हाथ खड़ा करके या वैसे बता दे मुझे सर आपकी आवाज कट रही थी सर गुड ओके अब आपको मेरी आवाज आ रही है सर जी अभी क्लियर आ रही है आपने किसके बारे में पूछा है सर ये के बारे में भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी सर बिल्कुल सर सुना वे गुड जी बिल्कुल ओके बशाद भाई आप बता सकते हैं ये क्या होता है AI सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कंप्यूटिंग के पावर को यूज करके सर कंप्यूटर को थिंकिंग की एबिलिटी देती है सर मतलब थिंकिंग तो वो नहीं होता लेकिन डेटा के जरिए जो डिसीजंस होते हैं कंप्यूटर के थ्रू तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओके तो इसे अगर हम बेसिक जमाने में समझे ना तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मॉडल्स इस तरह काम करते हैं कि वो आपके एक डेटा सेट को स्टडी करते हैं उस डेटा सेट को स्टडी करने के बाद ना वो एक सर्टेन कंक्लूजन उससे निकाल सकते हैं जो कि आपको उस डेटा को से फायदा पहुंचा सकता है मैं उसकी एक भी इजी एग्जांपल देता हूँ चैट जीपीटी आप में से किसी ने यूज किया से नहीं सर नाम बहुत ज्यादा सुना है आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा थोड़ा सा मैं आपको उसकी एग्जांपल करके दिखाता हूँ ये चैट जीपीटी का मॉड्यूल है ठीक है आप सबको दिखाई दे रहा है यस सर जी सर गुड गुड अच्छा अब ये
बलां की चीज ऐसी है कि आप इसे जो कहोगे या आपको वो एक सर्टेन अमाउंट तक वो आपको करके दे देता है। इसकी बहुत कम लिमिटेशंस हैं। अब इसे यूज करने का तरीका हम क्या है, आप सिंपली इसे बता दें। फॉर एग्जाम्पल हम अभी ये जो प्रोजेक्ट करना है ना, वो है सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी बनानी है हमने। किसकी बनानी है? एक स्किन केयर ब्रांड की। मैं उसे यही कहता हूँ, क्रिएट अ सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी फॉर अ स्किन केयर ब्रांड। उसने क्या करना है, उसने 2-3 मिनट लेने हैं, और 2-3 मिनट लेने के बाद ना मुझे वो स्ट्रेटेजी लिख के दे देनी है। वो सॉरी, मैंने लोड काफी देर से ओपन किया था, तो मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा इसे। वकाय भाई ने हमारी क्लास को ज्वाइन किया। वकाय भाई, आपकी परमिशन चाहिए होगी क्योंकि कोडेड सेशन है। काइंडली चैट में मुझे यस कह दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम वकाय भाई। अब उसने मेरे इंटेक करने का वेट किया, और विद इन अ फ्यू मिनट्स उसने मुझे पूरी पूरी स्ट्रेटेजी लिख के दे देनी है। सर इसके अलावा और भी काफी ऐसे आगे वेबसाइट जो हमको ये काम करके देती है एआई की, एक दो बार मैंने भी ट्राई किया। शायद भाई आप कह दें। नहीं सर, ये मैं आकिब भाई कह रहा। आवाज ज्यादा कट रही है सर। ओके गुड। अच्छा गाइस, अब ये एआई जो टूल है, हाउ इज दिस गोइंग स्ट्रेटेजीज और डेली लाइफ टाइम वर्क, उसके लिए ऐसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप इन टूल्स की मदद से आप लिटरली वो सारे काम कर सकते हैं जो एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट ने करना होता है। आप उससे ईमेल भी लिखवा सकते हैं, आप उससे अलग अलग करे कंटेंट भी लिखवा सकते हैं, आप इसे पोस्टर डिजाइन भी करवा सकते हैं। आपने जो भी काम पहले आप इंसानों से काम करवाते थे ना, लोगो क्रिएट करवाने हैं, आपने वेबसाइट क्रिएट करवानी है, आपने कोड लिखवाना है, अब तमाम चीजें एआई के थ्रू हो सकती हैं। अगर अभी नहीं तो विद इन अ फ्यू ईयर्स वो हो जाएंगी। तो द थिंग इज कि अब आप अपना क्या सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। गाइस मुझे ज़रा 1 मिनट दीजिएगा, मैं अपना नेट चेंज कर दूँ, तो हो सकता है मैं दोबारा डिस्कनेक्ट करूँगा। ठीक है सर, ठीक है सर। परफेक्ट। अच्छा आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही है सर। यस सर, आ रही है। गुड। ओके नाउ वी वर डिस्कसिंग एआई। AI is going to अच्छा drastically सर, change। मैंने जी जी मैंने एक बताए बात बताए करनी थी। जी वो कहा बताए। आज तो मैंने जो ज्वाइन भी किया लेट ही है, लेकिन वो 7 बजे यहाँ पे लाइट जाती है, ओके तो फिर 8 बजे आती है, तो शायद 1 घंटे फिर मेरे पास इंटरनेट नहीं होगा। ओके मैं तो जी, तो मैं ना पहले से ही सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सेशन रिकॉर्डिंग की जो है ना, मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ मेल के जरिए, आप वहां से देख लीजिएगा फिर भी। ठीक है, चले। सही है सर। गुड हो गया। अच्छा दोबारा से जल्दी से बात को कंक्लूड करता हूँ कि एआई इज गोइंग टू ड्रेस्टिकली चेंज ऑल द मार्केट्स नीशेस और वर्क यू गाइस आर डूइंग। पाकिस्तान में चेंज तो देर से आता है, बट डिजिटल फील्ड के अंदर, टेक्नोलॉजिकल फील्ड के अंदर वो भी जल्दी आ जाता है। जो टेक्नोलॉजीज पे अमेरिका में काम हो रहा है, पाकिस्तान में भी उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर आर्टवर्क क्रिएट होने लग जाता है।
इस बात को हमें समझने की जरूरत है. नाउ द क्वेश्चन आई एम ट्राइंग टू रेज इज कि व्हाट कैन अ ह्यूमन बीइंग डू दैट एआई कांट डू करंटली और वोंट बी एबल टू डू इट इन द कमिंग फ्यूचर. इसमें कोई मुझे हेल्प कर सकता है? व्हाट डू यू थिंक बशाद भाई? मेरे ख्याल में सर ये जो एम्पथी है एक इंसान की दूसरे इंसान को समझने की जो सलाहियत है वो एआई में कभी नहीं आ सकेगी. डेटा तो उसके पास होगा लेकिन अगर वक्त के साथ इंसानों की वो बदलती रहती है फीलिंग्स तो वो डिटेक्ट करना एआई के लिए मुश्किल होगा. गुड आंसर. ओके नाउ बिल्डिंग अपॉन दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट एआई कांट रेप्लिकेट. जैसे आपने कहा एम्पथी फीलिंग्स इमोशंस जो है ना एआई जो है वो उन्हें डिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है बट वो उन्हें रिक्रिएट नहीं कर पा रहा. ठीक है एक चीज ये है. दूसरा ये क्रिएटिविटी. इवन तो वो तमाम चीजें अपने लिहाज से क्रिएट कर सकता है बट वो उन्हीं चीजों को क्रिएट कर सकता है जो पहले क्रिएट की गई हैं जिनके पैटर्न्स बने हुए हैं. वो नई चीजें ईजाद नहीं कर सकता है. मिसाल के तौर पर अगर मैं उससे कहता हूँ स्किन के ब्रांड के लिए स्ट्रेटेजी क्रिएट कर दो वो मुझे कह देगा. बट कोई मैं ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ जो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है या मैं कोई ऐसी चीज करना चाह रहा हूँ जो कि पहले कभी किसी ने की नहीं है तो वहां पे जाके एआई जो है रुक जाएगा. ये मेरी बात समझ रहे आप दोस्त? तो आप जिस भी फील्ड के अंदर है ना उस फील्ड के अंदर एम्पैथी क्रिएटिविटी और इंस्पिरेशन जो है ये तीन कीवर्ड्स हैं जो आपको यूनिक आपके काम को दूसरे कामों से बेहतर करेंगे. ये आज ये अभी तक की क्लास का सबक है. क्या तीन चीजें जो आप लोगों ने फोकस करनी है? क्रिएटिविटी एम्पैथी और इंस्पिरेशन. ये बात सब दोस्त समझ गए? यस गुड. ओके नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर क्लास इन सेशन. एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ. अच्छा आप लोगों को मैं स्क्रीन दिखाई दे रही होगी. आपको ये फाइल्स मिलेंगी. इन फाइल्स को यूटिलाइज करते हुए आप लोगों ने एक सोशल मीडिया की स्ट्रेटजी क्रिएट करनी है. अब सोशल मीडिया की स्ट्रेटजी क्रिएट करने के लिए पहला काम आप ये करेंगे आप इन तमाम को जो डेटा दिया हुआ है ना इस डेटा को कंज्यूम करेंगे. पढ़ेंगे कि इस डेटा के अंदर क्या लिखा हुआ है. अभी हम भी वही काम करने लगे हैं और पढ़ने के बाद हम समझेंगे इस डेटा के अंदर क्या बात हो रही है हमने क्या कंक्लूड निकालना है. ठीक है लेट्स स्टार्ट विद द बाय पर्सोनास. और पहले हम किसा कहते हैं कैंपेन ब्रीफ से स्टार्ट करते हैं फिर बाय पर्सोनास जाते हैं. कैंपेन ब्रीफ पे आ गए हम. आप सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर. गुड. अच्छा हमारी कंपनी का नाम क्या है साथ भाई? PYUR. गुड गुड. और हमारी कंपनी का एथिक क्या है? स्किन केयर प्रोडक्ट. गुड गुड थैंक यू. अच्छा जैसे साथ में बताया कि PYUR जो है एक यूनिसेक्स यानी कि दोनों जेंडर्स के लिए लाइफस्टाइल स्किन केयर ब्रांड है. स्किन केयर प्रोडक्ट्स क्रिएट करता है मैन और वुमेन दोनों के लिए. ठीक है ये उनकी वेबसाइट है. ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? आपके ऑब्जेक्टिव क्या होता है पहले ये बताओ मुझे. सर आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है सर. अपोलॉजी. आपको आवाज आ रही है मेरी? PYUR history is rooted in innovation from inventing the first. नहीं नहीं बस ये बता दो ऑब्जेक्टिव होता क्या है. सर कट के आ रही है आपकी आवाज. ऑब्जेक्टिव जो चीज आप अचीव करना चाहते हैं जिसको आप कनकर करना चाहते हैं. गुड गुड वेरी गुड. ओके तो PYUR की हिस्ट्री जो है वो रूटेड है इनोवेशन के अंदर है जो कि फर्स्ट शेविंग सॉल्यूशन से लेके इनकोन हेयर्स को टैकल करने के लिए स्किन को स्मूथ करने के लिए और एक्ने मार्क से जो स्किन का कलर चेंज आता है उसे ठीक करने के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं. इनका ब्रांड स्ट्राइव कहते हैं कि जो बेहतरीन प्लांट बेस्ड और नॉन केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उनकी वजह से हम स्किन केयर को हल कर सकें. प्रोजेक्ट कंसिस्ट करता है कि आपने एक एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग कैंपेन बनानी है ये फॉल सीजन के लिए जिससे हमारे प्रोडक्ट्स की ना अवेयरनेस इंक्रीज हो न्यूयॉर्क के अंदर शिकागो के अंदर मायामी डेलस ह्यूस्टन और लॉस एंजलिस की मार्केट्स के अंदर. इसके लिए आपने कंपेन में ए बी टेस्ट कंपेन बनानी है जो कि टेस्ट करेगी कि उनकी टारगेट ऑडियंस मैन और वुमेन में कैसे काम कर रही है. ये हमारा ऑब्जेक्टिव है. ठीक है
अब बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, एबी टेस्ट क्या होता है विशाद भाई, आप बता सकते हैं? एबी टेस्टिंग सर, जी एबी टेस्टिंग सर, जब हम दो मतलब कंपेन्स बना लेते हैं सर, दो डिफरेंट टाइप की, और उनको फिर अलग अलग हम ट्रैक करते हैं कि वो काम कर रही है कि नहीं कर रही, उसका गुड रिजल्ट किस तरह है, रिस्पॉन्स किस गुड। तरह है। अच्छा ये लाइन को रीड करें और ये बताएं कि ये किस चीज़ की एबी टेस्टिंग कैंपेन बनाना चाह रहे हैं, किस चीज़ के फर्क के ऊपर देखना चाहते हैं? The campaign needs to have A/B tests to understand how the campaign performs for their targeted audience of men versus women. तो ये men और women गुड दोनों गुड का हम देखेंगे कि दोनों में रिस्पॉन्स किस तरह है, एग्जैक्टली। एक कैंपेन आपकी बनेगी टारगेटेड टुवर्ड्स मेन और एक men कैंपेन और बनेगी दूसरे टारगेटेड women। टुवर्ड्स वुमेन। ओके ब्रदर, यस गुड वेरी गुड। सर। ओके नाउ मूविंग फॉरवर्ड, टारगेट की बात करते हैं। मिस्टर भाई, मिस्टर अमीन साहब, टारगेट क्या होता है? जी हमारा टारगेट हो कि हमने इस हफ्ते में या इस महीने में इतनी सेल्स करनी है। गुड हो गया। अगर मैं कहूँ टारगेट हाँ, ऑडियंस क्या होता है तो और उसे या कैसे? ऑडियंस में यानी इस एज वाले ऑडियंस को हमने टारगेट करना है। गुड वेरी गुड। टारगेट ऑडियंस होता है कि आपने जिस ऑडियंस को टारगेट करना है, टारगेट आपका गोल भी हो सकता है, टारगेट ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है आपका। गुड आंसर मिस भाई। आगे चलते हैं, इनका टारगेट क्या है, ऑडियंस क्या है? मैन और वुमेन जो अमेरिका में रहते हो, जिनकी उम्र 21 से 45 साल के दरमियान में हो, जो क्लियर हेल्थी लुकिंग स्किन के लिए फोकस्ड हो, वो चाहती हूँ कि उनके जो कंज्यूमर्स हैं वो PYUR के प्रोडक्ट्स कॉन्फिडेंट क्लीन फ्रेश हेल्दी स्किन के लिए लें और यंग स्पिरिट फील करते हैं ताकि फील सिंपल हो। ठीक हो गया। आगे चलते हैं, ब्रांड वॉइस। ब्रांड वॉइस हमने पहले पढ़ा नहीं है इसलिए मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तमाम ब्रांड्स के बात करने का एक खास अंदाज होता है जिसको वो अपनी तमाम कैंपेन्स, पोस्ट, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो पेड हो, उनकी वेबसाइट, उसी जबान में वो बात कर रहे होते हैं। अब जबान से क्या मुराद है, उस बात करने के अंदाज से मुराद ये है कि वो किस टोन में बात करें। कुछ ब्रांड्स हैं जो कॉमेडिक टोन में बात करते हैं, विटी टोन में बात करते हैं, कुछ ब्रांड्स हैं जो सीरियस टोन में बात करते हैं, कुछ ब्रांड हैं जो सेलिब्रिटी टोन में बात करते हैं। आपने उनके साथ वो चीज़ इंगेज की हुई है। मिसाल के तौर पे अगर मैकडोनल्ड जो है वो विकीपीडिया की तरह बात करे, या विकीपीडिया जैसा कोई सीरियस ब्रांड, या यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जैसा सीरियस ब्रांड वो बात करे आपके साथ, जैसे कि कोई हिप कपों वाला ब्रांड बात करता है, तो इनकी ब्रांड आइडेंटिटी मैच नहीं करेगी। ये बात आप लोग समझ रहे हैं? यस सर। सर रिपीट गुड करेंगे सर, दोबारा रिपीट जी, कर सकते मैं हैं? रिपीट कर देता हूँ, बट बिफोर वी प्रोसीड, क्या आप सबको भी आवाज क्लियरली आ रही है? यस सर, आवाज जी क्लियर। सर। ओके गुड गुड। ओके आके भाई, मैं ब्रांड वॉइस की बात कर सर। हर ब्रांड की एक अपनी आइडेंटिटी होती है। जी सर आइडेंटिटी बिल्कुल। में होता है कि आपने उनका एक लोगो, उनकी एक पर्सनैलिटी क्रिएट की होती है अपने दिमाग के अंदर कि ये ब्रांड की पर्सनैलिटी ऐसी है। मिसाल के तौर पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की जब मैं बात करता हूँ, आप आंखें बंद करके जब इमेजिन करेंगे तो आप उन्हें स्टडीलिशियस इमेजिन करेंगे, आप इमेजिन करेंगे कि वो सीएस होगा, आप इमेजिन करेंगे कि वो मैच्योर होगा, ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल सर। अगर मैं कहता हूँ कि आप इमेजिन करें मैकडोनल्ड को, या मैं कहता हूँ इमेजिन करें आप पेप्सी को, तो वो आप उसे सीएस इमेजिन ही करेंगे, आप उसे यंग हिप सेलिब्रेशन हो इस तरह की चीजों में इमेजिन करेंगे, ऐसे ही है? जी सर बिल्कुल, कैटेगरी चेंज। बिल्कुल। अब ये उन्होंने हमारे दिमाग में पर्सनैलिटीज कैसे क्रिएट की हुई हैं? पर्सनैलिटी तो इंसान की होती है। आप इंसान से बातचीत करते हो, उसके बातचीत करने का अंदाज देखते हो, उसके कपड़े देखते हो, फिर आप उसकी पर्सनैलिटी का सोचते हो, या ये इसकी पर्सनैलिटी जो है हिप है, इसकी पर्सनैलिटी जो है वो सीरियस है, ऐसे ही है ना? ब्रांड्स अपनी पर्सनैलिटी कैसे क्रिएट करते हैं? अब नो दैट्स द क्वेश्चन। ब्रांड्स अपनी पर्सनैलिटी एक सर्टन टोन के जरिए क्रिएट करते हैं, पर्सनैलिटी के जरिए, अपनी एक्टिव वॉइस के जरिए, अपने लोगोस के जरिए, अपने कलर्स के जरिए, इन तमाम चीजों की एक्यूमुलेशन के जरिए वो अपनी पर्सनैलिटी क्रिएट करते हैं। ये बात समझ में आ रही है आपकी भाई आपको? जी सर बिल्कुल सर। गुड गुड। ओके नाउ उसी तरीके से ना एक ब्रांड वॉइस उस पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है कि वो ब्रांड किस जबान में किस तरीके से बात करता है। अब उस ब्रांड वॉइस के ऊपर हमने आगे बात करनी थी, तो ये हमने पहले बात नहीं की हुई इसलिए हम इसको एक बार रिपीट कर रहे थे। अब ब्रांड वॉइस जो है वो होता है बात करने का तरीका, कैसे वो जुमला लिख रहा है। मिसाल के तौर पे उसकी वेबसाइट पे कंटेंट कैसा लिखा हुआ है, सोशल मीडिया की पोस्ट में कैसा कंटेंट है, वो जब अपने कमेंट्स पे रिप्लाई देता है तो कैसे कमेंट पे रिप्लाई देता है, ये तमाम चीजें उसी वॉइस के अंदर होनी चाहिए।
अब मिसाल के तौर पे अगर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड जैसा सीएस ब्रांड जो है वो अपनी वेबसाइट या सोशल मीडिया के ऊपर गान इस तरह की पोस्ट लगाए जो कि उनके ब्रांड से टोटली अनरिलेटेड है। एग्जाम्पल मेरे दिमाग में कोई आ नहीं, मिसाल के तौर पर वो लगा लेते हैं म्यूजिक फेस्टिवल की पोस्ट अपनी मेन ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर या उनके सोशल मीडिया के पेज के ऊपर जो कि वो जिनके वो अगेंस्ट है मिसाल के तौर पर, तो उनकी जो लोग यही समझेंगे उनका पेज हैक हो गया या उन्हें कोई इशू आ गया, क्योंकि ये तो उनके बात करने का तरीका ही नहीं, अंदाज ही नहीं उनका। ये बात समझ में आ रही है आपको? जी सर बिल्कुल सर। गुड गुड, तो पॉइंट में बस यही क्लियर करना था। अब ब्रांड वॉइस इनके लिए क्या है? प्रूवन टू वर्क, ट्रस्टवर्दी, मॉडर्न, इनोवेटिव, इंफॉर्मेटिव एंड स्टाइलिश। अब जब इन्होंने बात करी ना इसके ब्रांड ने, तो उसने इन चीजों का ख्याल रखने का इस तरीके से बात करे कि वो ये वाली क्वालिटी शो कर रहा हो। ये बात हम दोस्तों समझ में आ गई है सबको? सर ये उसमें नहीं था कि व्हाट वी ऑफर यानी हमारी कंपनी आपको क्या फायदे दे रही है। मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा, दोबारा के पूछना। जिस तरह हम बनाते थे ना कि हमारे स्ट्रेंथ्स, तो हम दिखते थे स्ट्रेंथ में, तो क्या यही इस एक ब्रांड की पहचान होती है सर? नहीं नहीं ब्रदर, स्ट्रेंथ इज अ डिफरेंट थिंग। वो होता है कि आपके जो ब्रांड है वो क्या चीज़ें ऐसी कर रहा है जो दूसरों से बेहतर है। ठीक है, जो ब्रांड वॉइस है या ब्रांड आइडेंटिटी है ना, ये वो चीज़ है जो आपके ब्रांड की पहचान है। फॉर एग्जांपल एक आपके बंदे की क्वालिटी है, एक उस बंदे की पर्सनैलिटी या आइडेंटिटी है। एग्जाम्पल आकिब कुरैशी जो है आपकी आइडेंटिटी है, ठीक है, जिससे मैं आपको पहचानता हूँ। आप काम क्या कहते हो वो आपकी क्वालिटी या स्ट्रेंथ है। मिसाल के तौर पे आप बहुत अच्छे क्रिकेटर हो, आप बैटिंग बहुत अच्छी करते हो, ठीक है, तो वो आपकी स्ट्रेंथ है फॉर एग्जांपल। बट आप जिस तरह बातचीत करते हो आपकी पर्सनालिटी जो है वो आपकी ब्रांड आइडेंटिटी है। अब ये बातें क्लियर हो रही हैं आपको सर? सर जिस तरह HBL का है और वो कहते हैं कि जहां ख्वाब वहां HBL और बाकी इस तरह के ब्रांड्स की, आप इस तरह की बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ। यहाँ तक सब दोस्तों को समझ में आ गई है? किसी को कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें, कोई इश्यू नहीं है, हम इससे और डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है सर? गुड, वेरी गुड। ओके गाइस, आगे चलते हैं इनसाइट्स के, आगे आता है पॉइंट हमारा। इनसाइट क्या होती है मुझे कोई बता सकते हैं? हाउ अबाउट वकाया भाई, आप बताएं इनसाइट क्या होती है। इनसाइट सर बेसिकली हमारा डेटा होता है या मतलब प्रोडक्ट है क्या चीज, प्रोडक्ट की नो हाउ क्या, इन चीजों से बना हुआ है या इस तरह की चीजें, क्या फीचर्स हैं उसके, अगर हम ये कह सकते हैं इनसाइट्स। ऑलराइट गुड। सर मेरे ख्याल में इनसाइट्स वो है जो हम किसी को बता रहे कि आप अगर हमारा प्रोडक्ट लेंगे तो आपको ये चीजें मिलेंगी, जैसे साफ चेहरा, शफाफ चेहरा, मच बेटर। ओके, इनसाइट का अगर लगवी मायने हम देखें ना, तो उसका मतलब है ऐसी चीज, अंदरूनी चीज जो कि आपको उस पूरी चीज का ना क्या कहते हैं समराइज करके बताती है क्या उसका फायदा होना है, फीचर्ड क्या, ठीक है, ये उसका लगवी मायने होगा। अब जैसे आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया, इसके इनसाइट्स क्या हैं कि ये नॉम एक्ने से बचाएगा आपको, स्किन कलर सही कर देगा, आपकी स्किन सॉफ्ट स्मूथ हो जाएगी, आप इनका जो स्टेप थ्री प्रोसेस है उससे आपके पोर्स खुल लेंगे, स्किन मॉइस्चराइज होगी, ब्लेमिशेस, इरिटेशंस और स्किन टोन जो है वो बेहतर हो जाएगा। ये इन्होंने अपने इनसाइट्स दिए हैं। ये हम सब दोस्तों के पास समझ में आ गई है? जी सर। यस सर। परफेक्ट परफेक्ट गाइस, आगे हम चलते हैं, बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड काइंडली अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है, कोई इशू है, तो आप इजिली होके पूछ लें। हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, बहस कर देंगे दूसरे के साथ, तो जितना आप लोग बहस करेंगे, जितनी चीज समझने की कोशिश करेंगे उतना बेहतर होगा, इसलिए जितना फीडबैक देंगे उतना बेहतर है। ठीक है, आगे चलते हैं। कंपटीशन क्या होता है साथ भाई, ये बता सकते हैं? साथ भाई अब हमारे साथ हैं? जी सर। कंपटीशन जो आपके कंपटीटर्स होते हैं उसके, जो आप प्रोडक्ट तैयार करते हैं उसके वही प्रोडक्ट दूसरा भी तैयार करता है, उसके साथ जॉब का मुकाबला है, बेचनी कैसी है, मार्केट कैसे कैप्चर करना है। थैंक यू सो मच साध भाई। साध भाई ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया कंपटीटर्स कौन होते हैं। सब दोस्तों समय में आ गया कंपटीशन का? जी सर। गुड। ओके, कंज्यूमर क्या होता है आपके, ये बताना क्योंकि आप सर?
सर जो हमारी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं या हमसे ले रहे हैं। गुड एग्जैक्टली। हर वो बंदा जो आपका प्रोडक्ट यूज कर रहा है ले रहा है आपसे कंज्यूम करने की नियत से वो आपका कंज्यूमर होता है, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कंज्यूमर हमसे क्या मैसेज ले कि ऐसा स्किन केयर प्रोडक्ट जो कि एक्टिव लाइफस्टाइल को अकोमोडेट कर रहा है, हम ये चाहते हैं कि उनके दिमाग में ये चीज आए। एडवर्टाइजिंग मीडियम, वो तमाम मीडियम जहाँ पे हम अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं या कर सकते हैं, सोशल मीडिया, ऑर्गेनिक पेड और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है मिस्टर भाई, ये बताएंगे आप थोड़ा? जी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जी भाई सर इसकी नॉलेज नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं मैं बता दूं। जी वकार भाई आप बता दें। सर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बेसिकली हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी इन्फ्लुएंसर है, लाइक अगर कोई इंस्टाग्राम ब्लॉगर है और वो स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करता है या फैशन करता है या इसके अलावा यूट्यूबर है, तो वो उसी नीच में इन्फ्लुएंसर है और उनके थ्रू हम अपना प्रोडक्ट प्रमोट करवाते हैं, वो शॉर्ट आउट देते हैं या पैसे हम उनको देते हैं या कोई अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं वो रिव्यू करते हैं और उस पर फिर वीडियो बनाते हैं या ब्लॉग लिखते हैं या पिक्चर वगैरह शेयर करते हैं। वेरी गुड आंसर। नाउ लेट मी बिल्ड अपॉन दैट, थैंक यू वकार भाई। अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में ना, या इन्फ्लुएंसर की पहले हम समझ लेते हैं, हर वो बंदा जो कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑडियंस पे इन्फ्लुएंस रखता है वो अपने आप को इन्फ्लुएंसर कह सकता है, चाहे उसका यूट्यूब हो, सोशल मीडिया का चैनल ना भी हो, बट अगर वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑडियंस पे अपना असर अंदाज रखता है तो इन्फ्लुएंसर अपने आप को कह सकता है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एंड्रू टेट की एग्जाम्पल ले लेते हैं। उसका खुद का सोशल मीडिया का चैनल नहीं है, बट वो जब किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करता है तो उसकी अपने आप वो पोस्ट या अपने आप वो चीज़ वायरल हो जाती है एग्जाम्पल के तौर पर, तो वो एक अपने आप को इन्फ्लुएंसर कह सकता है। सेम थिंग उस तरह कि अगर इमरान खान या कोई भी इस तरह का बंदा जब वो अपने आप कोई चीज़ कुछ भी कहे और वो उसके जानने वाले उसके चाहने वाले उस चीज़ पे असरअंदाज कर रहे हों तो इन्फ्लुएंसर अपने आप को कैटेगराइज कर सकते हैं। अब आज की ऑडियंस के लिहाज से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को समझते हैं। अब इन्फ्लुएंसर्स की दो तीन टाइप्स हैं। एक होता है जर्नलिस्टिक इन्फ्लुएंसर, एक ऐसा इन्फ्लुएंसर जो जनरल नीश पे काम कर रहा है, वो पर्टिकुलर एक सर्टेन नीश पे काम नहीं कर रहा है, उसकी आमतौर पे ऑडियंस ज्यादा होती है बट वो ऑडियंस डाइवर्सिफाइड होती है, वो डिफरेंट नीशेस पे काम वाली ऑडियंस होती है। दूसरा होता है नीश बेस्ड इन्फ्लुएंसर, ये वो इन्फ्लुएंसर होते हैं जो स्पेसिफिक नीश के अंदर काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक लाइकी है, उसका नाम आमना है, जो सिर्फ स्किन केयर के प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है, ठीक है। उसने पहले भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स को रिव्यू दिया हुआ है, उनके ऊपर आर्टिकल लिखे हुए हैं और लोगों को टिप्स देती है कि अपनी स्किन को कैसे बेहतर करो, वो सिर्फ स्किन केयर पे काम कर रही है, तो वो नीश बेस्ड इन्फ्लुएंसर है स्किन की। ये दोनों में फर्क समझ में आ गया हम दोस्तों को? जी सर बिल्कुल। तो जी सर गुड। अच्छा मैं आपको एक टिप भी दे देता हूँ, जो जनरल ऑडियंस वाला इन्फ्लुएंसर है ना उसके पास हमेशा ऑडियंस बड़ी होगी बट उसके कन्वर्जन रेट कम होंगे, और जो नीश बेस्ड ऑडियंस वाला है उसके पास ऑडियंस कम होगी बट उसकी कन्वर्जन रेट ज्यादा होगी। ये बात सब दोस्तों समझ में आ रही है? यस सर। बशाद भाई आप बता सकते हैं इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है सर कि जो नीच बेस्ड है उसके खास किस्म के लोग उसको देखते हैं सर, और वो उसके चैनल पर इसीलिए आते हैं कि वो उसके मुतल्लिक मतलब देखना चाहते हैं। Exactly. तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट आएगी तो वो ज्यादा उसकी कन्वर्जन होगी, एज कंपेयर टू जो जनरल होता है वहाँ पर लोग अक्सर वैसे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो उसके चैनल पर चले जाते हैं। गुड गुड गुड, और बहुत ज्यादा थैंक यू सो मच फॉर द क्लेरिफिकेशन। जैसा कि विशाल भाई ने बहुत अच्छी ऐसे बताया, तो स्किन केयर में ये दो मेन डिफरेंसेस हैं, इसलिए आमतौर पे अगर कोई नीश बेस्ड इन्फ्लुएंसर है और वो हिट हुआ है तो आपसे चार्ज भी ड्रेस्टिकली ज्यादा करेगा बनस्पत जनरल के, क्योंकि उससे पता है उसकी ऑडियंस से कन्वर्जन ज्यादा देनी है तो इसलिए वो आपसे ज्यादा चार्ज कर सकता है, उसके नस्बत जनरल वाला जो है कम चार्ज करेगा। आजकल ऐसे पाकिस्तान में तो हर कोई इन्फ्लुएंसर बना हुआ है, बट इन्फ्लुएंसर के ना टाइप्स होते हैं, एक तो हो गया ना ये वाले कि जनरल है, दूसरी टाइप होती है इनकी ग्रोथ के ऊपर, माइक्रो होते हैं, मैक्रो होते हैं और उसके अलावा नीच बेस होते हैं। मैक्रो वो होते हैं जिनकी 10K से ज्यादा फॉलोइंग हो, माइक्रो होती है जिनकी 1K से 10K तक हो। ये फर्क समझ में आ रहा है?
यस जी सर। चलिए अब आप लोगों को मैंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ना मेजर मेजर आइडिया समझा दिए, ताकि जब आप खुद से अपने किसी ब्रांड के लिए या प्रोडक्ट के लिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करें तो आपको पता हो कि आपने किस टोन में किस तरह काम करना। ठीक है, आगे चलते हुए हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है। हमने एक फेसबुक पेड मीडिया प्लान क्रिएट करना है, एक 3 मंथ का ऑर्गेनिक सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च करनी है जो लाइव स्ट्रीम पे एक्टिवेशन पे फोकस करे, या एक गिव अवे कॉन्टेस्ट करना है एक इन्फ्लुएंसर के साथ। गिव अवे कॉन्टेस्ट क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? सर ये जिसने आप डिफरेंट जी आप बता दें, कंटिन्यू करें सर। गिव अवे सर ये ऐसा होता है सर कि एक प्रोडक्ट की एक शो वो फ्री में दे देते हैं और वह कंटेस्ट करा लेते हैं, तो बहुत ज्यादा लोग उसमें आ जाते हैं और एक ब्रांड अवेयरनेस भी हो जाती है वो। गुड, बेसिकली आपने डिफाइन कर दिया गिव अवे इज समथिंग दैट यू गिव अवे अ प्रोडक्ट और गिफ्ट वाउचर गिफ्ट हैम्पर, जिसके अंदर आप लोगों को कहते हो यार आप ये सर्टेन रिक्वायरमेंट्स ये फुलफिल करो, आप ही हमारे कॉन्टेस्ट में आ जाओगे, आफ्टर दैट जो बच्चा जीतेगा उसे रैंडमली सिलेक्ट करके गिफ्ट दे देंगे। वो गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, वो आपका प्रोडक्ट हो सकता है, पैसे हो सकते हैं, गिफ्ट हैम्पर हो सकता है, एनी ऑफ दोस थिंग्स राइट। और रिक्वायरमेंट्स में आप क्या रखते हो, रिक्वायरमेंट्स में आमतौर पर अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अपने कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है उसकी आपने अवेयरनेस इंक्रीज करवानी है तो आप उसके लिए ऐसे अवेयरनेस कर दोगे। आप चाहते हो आपकी फॉलोइंग बढ़े तो आप कहते हो यार खुद भी फॉलो करो, 3 दोस्तों को फॉलो करवाओ और फिर आप हमारे ग्रुप में ऐड हो जाए। तो जो भी आपका गोल है ना, आप उस गोल के लिए एक गिव अवे डिज़ाइन करते हो, वो आप करने के बाद अपने किसी इन्फ्लुएंसर को कहोगे या ये गिव अवे मैंने बनाया, आपने अपनी ऑडियंस को ये गिव अवे कहना है और जो जीतेगा उसे हम प्रोडक्ट दे देंगे। इस तरह का कि आप गिव अवे मैनेज करते हो और उन गिव अवे की मदद से आप अवेयरनेस सेल्स जो भी आपका टारगेट गोल है ना उसे इंक्रीज कर सकते हो। हम सब दोस्तों यहाँ से सब समझ में आ गया? जी सर क्लियर सर। परफेक्ट, हमारी कैंपेन का बजट है $8,000 पेड मीडिया के लिए और $2,000 इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए, और इस तरीके से हमारी कैंपेन का ब्रीफ कम्प्लीट होता है। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम ये पेज पे बंद कर लेते हैं। ओके क्लियर है सर अभी? परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा गाइस अभी हम 5 मिनट की ब्रेक लेंगे, 5 मिनट की ब्रेक के बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, तो तब तक आप लोगों ने अगर कोई चाय वगैरह पीनी है तो पी लें। ओके
अस्सलाम वालेकुम, आप सब दोस्त वापस आ गए हैं। जी सर, गुड, हो गया, परफेक्ट। अच्छा अभी ना हम अगली पॉइंट की तरफ चलते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे बता दिए जब आप लोग देख सकें तो। स्क्रीन आप दोस्तों को दिखाई दे रही है? जी सर, नजर आ रही है। गुड, क्लास कोई भी है? जी एग्जैक्टली, क्लासरूम नहीं, एक्चुअली मैंने वर्ड फाइल खोली हुई है, डेटा दिखाना था आप लोगों को। मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, आपको ना अपनी फाइल्स के अंदर डेटा भी मिलेगा। अब इस डेटा को विजुलाइज करने के लिए ना मैंने कुछ सर्टन चीजें यूज की, मैं आपको दिखा देता हूँ। मुझे एक मिनट दिखाइए। आकिब, अभी मैं कहाँ पे, मुझे बताओगे आप, आपको क्या स्क्रीन दिखाई दे रही है? सामने कंटेंट नजर आ रहा है और आपका बेल आइकन पे कर्सर माउस। माय डेटा सेट। ओके, गुड गुड, ठीक है, माय डेटा सेट पे, सही है। अच्छा अब डेटा जो है क्या होता है, कोई मुझे बताएगा डेटा, व्हाट इज डेटा? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, वही जनरल डेफिनेशन पर जाते हैं। बिल्कुल सही बताया। तो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स व्हिच आर समथिंग दैट हैज बीन कंडक्टेड अर्लियर, जिनकी मदद से हम फिर डेटा सेट्स क्रिएट करते हैं। फिर डेटा सेट्स को यूज करते हुए हम उन्हें रिग्रेशन के जरिए या जनरलाइजेशन के जरिए हम कोई प्रेडिक्टेबिलिटी निकालते हैं कि व्हाट हैज बीन हैपनिंग, हम उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट? अब नाउ हमें इसके लिए ना कुछ डेटा सेट्स मिले हैं ये शीट में, ठीक है। अब जो उन्होंने शीट दी थी ना, उस शीट की मदद से हमने एक कंक्लूजन निकाली है कि व्हाट हैज बीन वर्किंग पिछले 3 महीने के अंदर, क्या चीजें हैं जो सही काम कर रही हैं, एंड व्हाट कैन वी डू, हम इन चीजों से कैसे बेहतरी के लिए तरफ आना हो सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है हम दोस्तों को? जी सर, जी सर, परफेक्ट परफेक्ट। ओके नाउ बिल्डिंग अपॉन दैट, इस शीट के अंदर मैंने ना इसका एक टेबल बनाया हुआ है, मैं डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ। उस डेटा के मदद से हम कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। अगर आप उनका डेटा देखेंगे ना, तो उनका डेटा जो है इन चार टाइप्स में बांटा हुआ है। एक तो उनकी कुछ पोस्ट हैं जो हाउ टू टाइप पोस्ट हैं, दूसरी लाइफस्टाइल पोस्ट हैं, तीसरी प्रोडक्ट हैं, चौथी टेस्टिमोनियल्स हैं। अब इनके पहले टाइप्स समझ लेते हैं। हाउ टू टाइप्स वो होती हैं जिनके अंदर वो बता देते हैं कि कैसे कोई चीज़ करनी है। मिसाल के तौर पर हाउ टू अप्लाई मस्कारा ऑन योर फेस और समथिंग लाइक दैट, तो कोई भी हाउ टू टाइप वाली जो वीडियो या पोस्ट है वो इस वाली कैटेगरी में आती है। ये बात समझ में आ गई? जी सर, यस सर, परफेक्ट। लाइफस्टाइल वाली पोस्ट होती है जो लाइफस्टाइल को डिपिक्ट करती हैं, प्रोडक्ट वाली पोस्ट होती हैं जो आपके प्रोडक्ट्स को या आपके फीचर्स को डिस्क्राइब करती हैं, और टेस्टिमोनियल वाली पोस्ट होती हैं जो कि आपके कस्टमर जनरेटेड रिव्यूज होते हैं उनको फीचर कर रही होती हैं। अब मैं चाहता हूँ आप एक चीज नोटिस करें, कौन सी वाली चीज है जो हमारे लिए काम अच्छा कर रही है? टेस्टिमोनियल्स। गुड गुड, टेस्टिमोनियल क्यों अच्छा काम करता है? ये हर जगह पे ऐसे ही होता है, टेस्टिमोनियल सबसे अच्छा काम करते हैं। इसकी कोई मुझे वजह बताएगा, व्हाई डू टेस्टिमोनियल्स वर्क फॉर ह्यूमंस? हम डायरेक्टली कस्टमर के साथ कनेक्टेड होते हैं सर, थ्रू चैट। ओके बशाद, व्हाट डू यू थिंक? सर ये टेस्टिमोनियल्स जो जिस जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं उन्होंने वो प्रोडक्ट यूज किया होता है जी जी, तो वो अपना तजुर्बा बताते हैं, तो वो अक्सर औकात ज्यादा मतलब सही होता है और उस पे वो ट्रस्ट करते हैं हमारे जो कस्टमर्स हैं दूसरे। एग्जैक्टली, तो उस वजह से वो रीच है। गुड, वेरी गुड। ओके नाउ टेस्टिमोनियल्स जो होते हैं ना, आगे जैसा कि प्रशांत भाई आपने बताया, दे क्रिएट अ ह्यूमन कनेक्शन, एक ह्यूमन फीलिंग आपके जिस्म के अंदर क्रिएट करते हैं ट्रस्ट की। वो आपको बताता है दिमाग आपका कि यार आई कैन ट्रस्ट दिस ब्रांड, क्योंकि उस बंदे ने भी इस ब्रांड में ट्रस्ट करके अच्छा एक्सपीरियंस हासिल किया है। एग्जांपल मैं देता हूँ, आकिब भाई कहते हैं कि मैंने सर मोहसिन से एक कोर्स किया है और वो अब मैं लाखों रुपया कमा रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है।
अब जो सात भाई हैं वो हो सकता है कि मैं खुद कह रहा हूँ कि मेरे से कोर्स करो आपको लाखों रुपया कमाओगे, तो हो सकता है सात भाई ना माने, बट अगर उनका दोस्त या कोई हो बंदा इंसान ये कहते जाए जो उन्हीं तरह का काम कर रहा है सात भाई की तरह का, तो उन पे जल्दी टेस्ट कर लेंगे क्योंकि कनेक्शन जल्दी बिल्ड हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है आप दोस्तों को? यस गुड गुड जी सर। तो ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मार्केटिंग। आप लोगों ने अपने कस्टमर के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के लिहाज से लेकर देखना होता है कि आप क्या काम कर सकते हो ताकि आपके ब्रांड के अंदर ट्रस्ट बिल्ड हो और वो आपके प्रोडक्ट को खरीदते हुए या उसे प्रमोट करते हुए अच्छा फील करें। ठीक है, नो लेट्स थिंक अपॉन दीज थिंग्स। अब आगे चलते हैं, कुछ और मैं आपको दिखाता हूँ। ये वही डेटा सेट है, इसके अंदर हम नोटिस कर देंगे कि हमने कितनी फोटोज लगाई है, कोई बताएगा मुझे? तीन फोटोज नहीं नहीं 29 है ब्रो, सॉरी फोटोज 29 है मेरे ऊपर टेबल। अच्छा अच्छा ओके, ग्राफ अरे ग्राफ ना देखो, ये सही इसको देखो, ग्राफ को देखो, टेबल को ना देखो। ओके गुड, तो 29 हमने फोटोज लगाई, 10 वीडियोस लगाई थी हमने। ठीक है, डेटा सेट के अंदर थीम क्या थी? वही जो यहाँ टेस्टिमोनियल लगाए, 10 हाउ टू लगाए, अल्लाह भला करे इसे तो मैं नीचे कर लूँ। ठीक है बोल चल, नो प्रोडक्ट लगाए, नो लाइफस्टाइल लगाए, और उसके लिए ऐसे भी हमें रीच उस तरह ही मिली। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हमने रूट बहुत जल्दी कर लिया, आप लोग नोटिस करेंगे। अगर मैं वही चीज़ आपको कहूँ कि ये चीज़ें आपने यहाँ से मुझे निकाल के देनी है कि कौन सी चीज ज्यादा अच्छा काम कर रही है मुझे बताओ, तो आकिब कैसे मुझे बताओगे आप अगर आपको सिर्फ ये वाली चीज में देता तो? इसमें से सर जी मैं पॉइंट समझने की कोशिश कर रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप डेटा को विजुलाइज करते हो ना तो आपको डेटा को समझने में आसानी होती है, बट अगर आपको वही डेटा रॉ फॉर्म में मिले तो उसमें से कंक्लूजन निकालने में आसानी होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ मुझे ये डेटा को देख के बताओ कि कौन सी चीज हमारे लिए ज्यादा काम अच्छा काम कर दी है, तो आपको वन बाय वन आप जाते देखते टेस्टिमोनियल पे इतना ये फायदा हुआ है, हाउ टू पे इतना फायदा हुआ है, लाइफ स्टाइल पे ये फायदा हुआ है, इस पे ये फायदा हुआ है, इन सबको आप कंक्लूड करते जमा करते फिर आप किसी डिसीजन पर पहुंचते, ऐसे ही था जी सर? बिल्कुल। बट जब आपने सारे डेटा को विजुलाइज किया, जिस तरह मैंने तो विजुलाइज किया हुआ है, तो आपने एक सेकंड में डिसीजन निकाले, ये तो बड़ा इजीली पता चल रहा है कि टेस्टिमोनियल में फायदा ज्यादा हो रहा है, उसमें रीच भी हमें ज्यादा आ रही है, हमें इंप्रेशन भी ज्यादा आ रहे हैं, एंगेजमेंट भी है, हो क्या कहते हैं वीडियो व्यूज भी इसमें ज्यादा है टेस्टिमोनियल में एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन। और ये उसी डेटा सेट से निकले हुए हैं जी? जी निकालना भी सिखा दूंगा आप दोस्त कहें तो। ये भी सिखा दे सर, ये किस तरह का? श्योर श्योर। ओके, दिस इज अगेन नॉट पार्ट ऑफ योर एक्चुअल कोर्स, बट ये सीखना इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि जब आप किसी कंपनी के लिए काम करेंगे तो अक्सर आपको डेटा मिलेगा, उसे विजुलाइज नहीं करेंगे तो उसके बाद आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो लेट्स गो ओवर इट। ये मैं शीट डिलीट कर देता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल हमें ये डेटा मिल रहा है कंपनी की तरफ से, ठीक है, इसको विजुलाइज करना सीखते हैं। आसान सा जी का ये क्या, आप इसको क्लिक करो, सिलेक्ट करो, हो अल्लाह बला करे इंसर्ट में जाओ, पिवट टेबल इसका क्रिएट कर लो, न्यू टेबल्स में गए, पिवट टेबल हमने क्रिएट किया, ओके किया, उसने हमें पिवट टेबल क्रिएट कर दिया। बट इस पिवट टेबल में काफ़ी कमियां, उन कमियों को हम पूरा करेंगे। मिसाल के तौर पे हमने जो है कंटेंट टाइप उसमें देखना है कि रीच किस पे आ रही है, इंप्रेशन किस पे आ रही है, तो हम उसे वैल्यूज पे डाल देंगे। ठीक है, ये रीच को पकड़ा मैंने, ये मैंने वैल्यूज में डाल दिया, भाई जान आ जाओ, इंप्रेशन को पकड़ा डाल दिया, इसकी जरूरत नहीं है, इसको निकाल दिया, और कैच पे ये मैं इंगेजमेंट और वीडियो व्यूज को भी डाल सकते हैं। ठीक है, वन अदर थिंग इज कि यहाँ पे काउंट्स आ रहे हैं, तो हम काउंट्स को चेंज करके सम में ले जाते हैं ताकि हमें सम में मिल जाए उनकी, राइट, कि कितना सम हो कि टोटल इनका जब करेंगे
तो क्या आता है वो कह देते हैं हम। ओके नाउ आप लोग देख सकते हैं कि ये डेटा जो यूजेबल है, इस डेटा के हमें पता चल रहा है कि हाउ टू के अंदर हमें क्या रीच मिली है, क्या इंप्रेशन मिले हैं, क्या मिले उसको सब कुछ उसने जमा कर दिया है। अब इसको हम एक शक्ल की नजर में लेके आते हैं जिस शक्ल को हम देख सकें। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे, उसके चार्ट बना देंगे। सिलेक्ट किया, इंसर्ट में गए, रिकॉर्डेड चार्ट्स में गए, और यहाँ से अपने कोई भी चार्ट चूज कर लो जो आपको ज्यादा अच्छा लगता है अपने डेटा के लिहाज से। अब ये चार्ट हमें इस तरह दिखा रहा है, अगर हम लाइन चार्ट में जाते हैं तो लाइंस के तौर पे हमें दिखा रहा है, पाए चार्ट में जाते हैं पाए के तौर पे दिखा रहा है कि कौन सी चीज कैसे काम कर रही है, बाय चार्ट बाय के तौर पे दिखाई दे रहा है। इस तरह जो भी आपको डेटा जिस तरह की शक्ल में चाहिए उस तरह की शक्ल में लगाओ, वो डेटा को इधर इनपुट कर दो। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस शक्ल में चाहिए, मैंने लगाया इसे इधर इनपुट कर दिया। क्या हम सब दोस्तों को यहाँ तक समय में आया हमने क्या किया है? जी सर, बिल्कुल सर, रॉ डेटा से अपने लिए एक इंफॉर्मेशन निकाल दी है और जी, exactly. जो इजी टू अंडरस्टैंड। डेफिनेटली डेफिनेटली। अच्छा मैं खुद बताऊँ, ये डेटा इजी टू अंडरस्टैंड आपके लिए भी है, और जब आपने जाके अपने क्लाइंट को या बॉस को दिखाना है तो उसके लिए भी होगा। क्योंकि अगर मैं ये जाके शीट अपने बॉस को दिखाता और कहता सर मुझे यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है कि हाउ टू पोस्ट अच्छी काम कर रही है, तो उससे मुझे आगे से कहना जा अपना काम कर, यहाँ से कैसे पता चला थे? ऐसे ही है ना, क्योंकि इसमें कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है, यहाँ पे रफ हालत में डेटा है। बट अगर मैं जाके फॉर्म दिखाऊंगा, ये शीट दिखाऊंगा, तो यहाँ पे उससे कहता हूँ सर यहाँ पे मैं साफ दिखाई दे रहा है कि सर टेस्टिंग का काम कर, वो कहेगा हाँ यार मुझे भी ये दिखाई दे रहा है। ऐसे ही है, बिल्कुल सर। जी सर, गुड गुड। तो डेटा विजुअलाइजेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि आप खुद भी समझ सकें और अपने जो आपके जो की प्रोस्पेक्ट्स उन्हें भी आगे समझा सके। उम्मीद है यहाँ तक सब दोस्तों को समझ में आया होगा। किसी दोस्त को कोई क्वेश्चन तो काइंडली पूछ लें, अदरवाइज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एवरीवन क्लियर? यस सर। यस सर। यस। थैंक यू। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये हमने ऑर्गेनिक डेटा से ये कंक्लूजन निकाले कि भाई टेस्टिमोनियल की चीजें काम कर रही हैं। टेस्टिमोनियल के बाद सेकंड नंबर पे कौन काम कर रहा है? आबिद भाई आप बताएं। आबिद भाई बोल के भी आए हैं। आबिद भाई आप काइंडली कोडिंग की इजाजत दे दें चैट के अंदर ताकि कोडिंग में आपको मैं कंक्लूड कर सकूँ। सेकेंडली बशाद भाई आप बताएं कि विच अदर थिंग इज वर्किंग फॉर अस आफ्टर टेस्टिमोनियल। lifestyle की जो postings है sir वो good and what is not working for us good good वो क्या चीजें जो काम नहीं कर रही हमारे लिए how to post जो हम कर रहे हैं sir good thank you so much। तो यहाँ से मैं ये clear conclusions निकाल सकते हैं कि what is working for us and what is not working for us। ये organic का data था right। अब जब paid data को देखते हैं, ये हमारा paid का data है, ये हमने दो कैंपेन लॉन्च की थी। एक कैंपेन लॉन्च की थी अवेयरनेस की टेस्टिमोनियल्स के साथ, दूसरी हमने अवेयरनेस की कैंपेन लॉन्च की थी प्रोडक्ट फीचर्स के साथ। अब इनके ऊपर हम डिटेल में बात करते हैं, बट बिफोर यू प्रोसीड एनी फर्दर आबिद भाई आपकी काइंडली मुझे इजाजत चाहिए होगी, रिकॉर्डिंग सेशन है इसलिए। जी सर श्योर, मैंने अभी ज्वाइन। अच्छा आबिद भाई एक दो मिनट हम लेते हैं जब तक मैं सांस ले लूं। आप ये बताएं आपके पहले दोनों प्रोजेक्ट्स हो गए, कोई इश्यू तो नहीं आया? दूसरा सर अभी मैंने सबमिट नहीं कराया, इंशाल्लाह कल कराऊंगा। ओके ओके। हो आज लेट आने की वजह? असल में जॉब होती है तो टाइम नहीं मिल पा रहा उसके लिए। ओके ओके। आपकी जॉब की टाइमिंग्स क्या होती है? पहले 10 to 6 होती है सर। ओके ओके। आप टेंशन ना लें, अगर आपकी जॉब है ना कोई इशू है तो आप मुझे बता दें ताकि मैं ना उसके सिलसिले से आपको कोई रहनुमाई कर सकूं। ठीक है, आप एक दो दफ़ा चेक कर लीजिएगा, अदरवाइज हम उसके लिए कोई हल निकाल लेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कल उसको मैं सबमिट करा दूँ, कंप्लीट कर दूँ उसको। ओके गुड।
अच्छा मैं जल्दी से समराइज कर देता हूँ अभी तक हमने क्या किया, ओके मैं नहीं समराइज करूंगा, बशाद भाई समराइज करेंगे। बशाद भाई हमने अभी तक क्या क्या बातें कर लिया था जल्दी से समझ जाइए। अभी तक सर हम ये प्रोजेक्ट 3 जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, गुड, उसके हमने एक ओवरव्यू एक डॉक्यूमेंट था वो देख लिया है सर, गुड, और उसके बाद हमारे पास डेटा है सर, तो इससे पहले जो था वो ऑर्गेनिक का डेटा था, वहाँ से हमने कुछ कंक्लूजन्स निकाले। गुड, अभी जो हमारे सामने ये पेड जो हमारे कैंपेन्स है उसका डेटा है सर। वेरी गुड वेरी गुड। शायद हमने एक और चीज बात की थी एआई के लिहाज से, वो भी समराइज कर देंगे सर। अच्छा सर बिल्कुल, ये एआई जो है वो अभी अरे जिस तरह चैट जीपीटी है मेरे ख्याल में सर, तो उसके इफेक्ट्स क्या होंगे सर मार्केटिंग पे? तो उसमें आपने बताया सर कि कुछ चीजें हैं जो एआई जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकता, फॉर एग्जांपल इंस्पिरेशन हो गया, क्रिएटिविटी, और एक और चीज एम्पथी सर, ये वेरी गुड वेरी गुड। तीनों चीजें जो है वो एआई रिप्लेस नहीं कर सकती, इस पे हमें फोकस करना और एआई को यूज करना। ग्रेट जॉब ग्रेट जॉब, माशाल्लाह आपने अच्छे से समराइज किया। चलें गाइस लेट्स वर्क टुगेदर टुवर्ड्स पेड मीडिया। पेड मीडिया के बारे में हम बातचीत करते हैं। पेड मीडिया के अंदर हमने दो कैंपेन्स लॉन्च की हैं, एक कैंपेन की पहले बात करते हैं फिर उसके ऊपर हम देखते हैं क्या चीजें हैं और ये आपस में कैसे असरअंदाज होती हैं। गुड, अच्छा पेड मीडिया से पहले एक बार मैं ऑर्गेनिक को एक बार फिर आप सब दोस्तों को याद करवा दूं। आविद भाई हैं, ठीक है आविद भाई, हमारे पास ये डेटा मौजूद था, इस डेटा के सेट की मदद से हमने फिर ये शीट निकाली जो मैं बता रही थी कि हमारे लिए कौन सी चीज काम कर रही है कौन सी चीज काम नहीं करती है। आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि आपको क्या लगता है हमारे लिए कौन इन चारों में से कौन सा कंटेंट है जो अच्छा काम कर रहा है। आबिद भाई आप हमारे साथ हैं? जी जी, जो टेस्टिमोनियल है तो उसके जो एंगेजमेंट है वो 319 है। गुड गुड, तो टेस्टिमोनियल हमारे लिए ज्यादा अच्छा काम कर रहा है आप ये कह रहे हैं? सम ऑफ वीडियो व्यूज इसमें जी ये स्टेट्स के हिसाब से तो यही लग रहा है। गुड गुड, नहीं आप सही बता रहे हैं आप सही बता रहे हैं। अच्छा हो ये बताएं मेरे कौन सी चीज है जो काम नहीं कर रही है? जो हाउ टू है। गुड गुड, अब ये आपने बहुत जल्दी से मुझे डिड्यूस करके बता दिया कैसे। अगर मैं आपको ये कहता मैं यहाँ से डिड्यूस करके दो तो आप ये बता सकते मुझे कि क्या चीज हमारे लिए काम कर रही है क्या चीज हमारे लिए काम नहीं कर रही है? यहाँ पे तो बहुत मुश्किल है इस एक्सेल शीट से। गुड, अब इन दोनों में फर्क क्या है, इस शीट में और इस शीट में फर्क क्या है, इसमें शीट में क्या खासियत है जो हमें जल्दी उस चीज तक पहुंचने में हेल्प कर रही है? यहाँ पे ये बेसिकली एक समराइज्ड फॉर्म में है तो इसको आसान है उसके निस्बत। जी एग्जैक्टली, तो इसी चीज को हम अभी डिस्कस कर रहे थे, एक चीज जो मिस हो गई थी। इसके अलावा मैं कुछ और बता दूं, ऑर्गेनिक डेटा के अंदर ये कुछ चीजें इनको से हम एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। रीच क्या होती है पता है अभी भाई आपको? जी कि कितने लोगों तक जो है वो पहुंच पा रहे हमारा जो कंटेंट है। गुड, सेल्स क्या होते हैं? इंप्रेशंस के एड्स जो हैं वो कितने लोगों ने देखे हैं। ओके, एंगेजमेंट क्या कि कितने ने उसके साथ इंटरेक्ट किया है, लेट सपोज उस पे क्लिक किया है या इस तरह। गुड, फॉर वीडियो व्यूज, वीडियो व्यूज जो लेट सपोज अगर वीडियो एड है तो फिर वो कितने लोगों ने व्यू किया है उस एड को। गुड, मैंने माशा सबसे सही तरीके से एक्सप्लेन, मैंने एक बार फिर वॉइस को बात देता हूं बाकी के लिए। ईच होता है द नंबर जिन्होंने कंटेंट जो है ना इंप्रेशंस, वो तमाम लोग हैं जिनकी स्क्रीन तक है वो स्टेटस फोटो लिंक वीडियो या किसी भी हालत तक उन तक पहुंची है और उनकी स्क्रीन पे उन्होंने उस पर थोड़ा टाइम गुजारा है। इंगेजमेंट होती है अगर उन्होंने उसके ऊपर
कोई भी इंटरेक्शन किया है, लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया, सब्सक्राइब, फॉलो, कोई भी इंटरेक्शन किया स्पोर्ट्स के साथ, तो वो एंगेजमेंट में आ जाएगी। और वीडियो व्यू होती है कि अगर उसने आपकी वीडियो 3 सेकंड या से ज्यादा देखी है विदाउट एनी पेड प्रमोशन, तो उसका जो टोटल काउंट है वो आपका वीडियो व्यूज में आ जाएगा। ठीक है जी सर, क्लियर, परफेक्ट। चलें अब जरा कैंपेन की तरफ चलते हैं। आके भाई हमारे साथ हैं आप? जी सर। गुड। अब कैंपेन के ऊपर बात करें, अवेयरनेस टेस्टिमोनियल कैंपेन, ये इससे क्या समझ में आता है? अवेयरनेस टेस्टिमोनियल कैंपेन से क्या समझ में आता है, क्या किस चीज की कैंपेन थी और क्या था इसके अंदर काम? ये हमारी ब्रांड की अवेयरनेस के लिहाज से हमने जो कैंपेन चलाई है सर, उसके टेस्टिमोनियल या जी उसी के हो गए, अवेयरनेस कैंपेन के लिहाज से जो हमने अवेयरनेस के लिहाज से जो कैंपेन चलाई है। गुड। अवेयरनेस के लिए कैंपेन चलाई है टेस्टिमोनियल बेस्ड, वो आपकी अवेयरनेस टेस्टिमोनियल कैंपेन होगी। ठीक है, चलो मिस्टर मोहम्मद साद खान भाई, ये सेकंड कैंपेन नेम है अवेयरनेस प्रोडक्ट फीचर, ये क्या समझ में आता है, किस लिए होगी? हमारे जो प्रोडक्ट्स है उसके अवेयरनेस के लिए जो हमने कैंपेन चलाई, प्रोडक्ट फीचर्स की अवेयरनेस के लिए जो कैंपेन चलाई है वो ये हो जाएगी। गुड गुड, ओके। स्टैटिक इमेज से क्या मतलब है आबिद भाई, आप बताएं कि लेट्स सपोज हमने कोई इमेज उस प्रोडक्ट के फीचर से रिलेटेड लगाया है जो एड की टाइप, ओके। और वीडियो से क्या मतलब है फिर? ओके, वीडियो एड है वो हमारे पास, मतलब वो मोशन बेसिकली एड्स में आपकी सोशल मीडिया के वो दो टाइप की होती हैं, या तो स्टैटिक इमेज बेस्ड होगी या वो वीडियो बेस्ड होगी। इमेज बेस्ड होता है कि उसमें आप कोई ग्राफिकल डिजाइन की पोस्ट बनाते हो, पोस्ट के अंदर फिर आप कैंपेन लॉन्च करते हो। दूसरी आप वीडियो पूरी भी बनाते हो, वीडियो के ऊपर फिर आप कैंपेन चलाते हो। मगर अब कैंपेन्स की मजीद टाइप्स भी आ गई हैं। अगर आप गूगल या सर्च इंजन की बात करें तो उसके अंदर पेड सर्च कैंपेन्स होती हैं। यूट्यूब के ऊपर बात करें तो बैनर एड्स वाली कैंपेन्स भी होती हैं, इस तरह एड्स की दूसरी टाइप्स भी। बट सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादातर दो किस्म की कैंपेन्स होती हैं, एक वीडियो या स्टैटिक बेस। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स इसके दोनों के अवेयरनेस थे, इसके अलावा हो कोई ऑब्जेक्टिव्स मुझे बता सकते हैं, वो क्या क्या कैंपेन्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं? बिशाद भाई आप बताएं। सर इस वाले से यार और बताओ, कोई भी कोई भी। तो भी दूसरी सर वो होते हैं कि अवेयरनेस के बाद मतलब हम उसको किस तरह उनका इंटरेस्ट और डिजायर डेवलप कर सकते हैं। गुड। और फिर उनको जो है वो कन्वर्जन की तरफ ले जाते हैं, एक्शन की तरफ। गुड। बेसिकली ये डिफरेंट टाइप्स हैं कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स के लिए। ये वो अमाउंट है जो इस इन कैंपेन्स पे लगे हैं, ये उनकी रीच है, ये उनका CPM है कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, ठीक है, या कॉस्ट पर एमएम, ये टोटल इंप्रेशंस हैं, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, ये टोटल क्लिक्स हैं, ये पोस्ट इंगेजमेंट्स हैं स्टार्ट, और ये कैंपेन एंड कब हुई है। ये सब दोस्तों समझ में आ गया कैंपेन के जो स्टैटिक्स हैं किस तरह लिखे हुए हैं? किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। क्लियर है सर। गुड, परफेक्ट। चलो अब सर कैंपेन्स को देखते हैं। ये दो कैंपेन्स नीचे फोटोग्राफिक्स के अंदर भी शो की हुई है। अब ये आप लोग मुझे बताएं कि इन दोनों में ज्यादा अच्छी कैंपेन कौन सी रही हमारे लिए? जो अवेयरनेस टेस्टिमोनियल है वो। गुड गुड, क्यों ये हमारे लिए अच्छी क्यों है? क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है तो वो $1.28 है पर 1000 जो है, जबकि जो प्रोडक्ट फीचर है उसकी कॉस्ट ज्यादा है, और जो क्लिक्स हैं तो वो भी जो अवेयरनेस टेस्टिमोनियल की है वो भी ज्यादा है, और इंप्रेशंस भी इसके मतलब ज्यादा हैं, तो हर लिहाज से जो है अवेयरनेस टेस्टिमोनियल बेहतर है ये प्रोडक्ट फीचर के अवेयरनेस से। गुड, वेरी गुड आंसर। ये सब दोस्तों पॉइंट सर में आया? जी सर, क्लियर है। जी सर, परफेक्ट परफेक्ट। ओके गाइस, इसके जरिए से हमें अंदाजा पता चलता है कि अपने पास्ट में ऑर्गेनिक और पेड मीडिया के ऊपर कैसी कैंपेन्स कैसे काम किए हुए हैं, कौन सी चीजें जो हमारे लिए काम आ रही है और कौन सी चीजें जो हमारे लिए काम नहीं कर रही है। ये सब दोस्तों समझ में आ गया? यस सर। जी सर। गुड 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 जॉब। अब इसके अलावा हम आगे चलते हैं। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? सर ये डेटा से निकले ना सर? जी जी
ये डेटा भी उसी 3 महीने वाली शीट से निकले इम्प्रेशन वाली जी, ये उसी के अंदर ये एक्चुअली आपको निकला हुआ मिलेगा, इसके ऊपर आपने मेहनत नहीं करनी है। मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट, रुकिए। चल भाई ये आपको ना इस साइड पे ये सारा डेटा निकला हुआ मिलेगा, जिसके अंदर आपका ये कैंपेन में क्या यूज हुआ है वो भी चल जाएगा, आपको परफॉर्मेंस ओवरव्यू मिल जाएगा कि आपके इंप्रेशन कॉस्ट पर मिनट अमाउंट स्पेंड क्या हुई थी, आपकी कौन सी जगह पे फेसबुक पे कितने आपको इंप्रेशन मिले हैं, कितने रिजल्ट मिले हैं, इंस्टाग्राम पे क्या हुआ है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे निकला हुआ मिल जाएगा। इसके लिए आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो ये वाला है ना ऑर्गेनिक डेटा, ये आप लोगों ने अगर करना है तो आपको खुद निकालना पड़ेगा, बट ये आपकी असाइनमेंट का हिस्सा नहीं है, ये मैंने वैसे आपको सिखाया था। ठीक है जी सर, क्लियर होगी सर। किसी को क्वेश्चन तो नहीं है ना? ये तो जल्दी से एक बार पूछ लेता हूँ मैं। मिसरा भाई जी सर, आप हमारे साथ हैं, ये जी आपको जी सर सब समझ में आया यहाँ तक? जी सर, जी सर। चले एक दो क्वेश्चन पूछने आपसे। ये सर मुझे बताते हैं कि ये अवेयरनेस प्रोडक्ट जो है फीचर ओवरव्यू कैंपेन, ये क्या बता रही है मुझे? इंप्रेशन क्या बता रहा है, सीपीएम क्या बता रहा है, अमाउंट स्पेंड क्या बता रहा है? जी सर, ये अब इम्प्रेशन बता रहा है कि हमारे पास इतने इम्प्रेशन 23,000 इम्प्रेशन इस पे आए हैं इस एड्स पर। अच्छा। और इस पर जो अमाउंट खर्च हुआ है वो इतने डॉलर है, 3.39, और जो यानी 1,000 इम्प्रेशन पर जो अमाउंट कास्ट आई है, और जो टोटल अमाउंट इस पर आई है वो $80 है। शाबाश शाबाश। अच्छा ये क्या बता रहा है, ये मुझे बताओगे आप? ये वाली फोटो क्या कह रही है मुझे? ये सर यानी हमने जो ये कैंपेन चलाई एड वाली फेसबुक पर, इतनी एड लगी है यानी 60,000 लोगों ने इसको देखा है, और इंस्टाग्राम पर इतने लोगों ने। गुड जी। अच्छा ये सब दोस्तों से में आई है ना बातें? किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी सर? इसमें ये ब्लैक ग्राफ और ये जो ब्लू है तो इसकी समझ नहीं आ रही। ओ सॉरी, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, मैंने बंद कर दिया, एक मिनट बस। अच्छा ये ब्लैक और ब्लू की समझ में नहीं आ रही मेरे भाई आपको? बेसिकली जो आपके ब्लैक है ना, ये आपके इंप्रेशंस हैं कि आपको फेसबुक पे कितने इंप्रेशन आए हैं, और ब्लू हैं कि कितने रिजल्ट्स आए हैं। सेम थिंग इधर इंस्टाग्राम पे है, ब्लैक आपके इंप्रेशन शो कर रहे हैं, ब्लू आपके रिजल्ट शो कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर, क्लियर होगी। ये इस फोटो के अंदर ना इंप्रेशन के आगे कलर ही डाला हुआ उन्होंने, वरना आपको जल्दी समझ में आ जाता। जी जी बिल्कुल। ठीक हो गया बड़ी? परफेक्ट परफेक्ट। यस सर, क्लियर है। गाइस हमने अभी दो फाइलें समझ ली हैं, एक हमने कैंपेन ब्रीफ समझ ली है, एक हमने डेटा सेट समझ ली है। अब आगे मूविंग फॉरवर्ड हम विकिपीडिया का पेज रीड करेंगे, उसके बाद से बाय पर्सोनास को देखेंगे, और लास्ट में हम अपना जो प्रोजेक्ट है उसको फाइल के ऊपर काम करेंगे। ठीक है जी सर, ठीक है, गुड। चलिए अब जरा विकिपीडिया का पेज देखते हैं। विकिपीडिया का पेज क्या बताता है? वो बताता है कि पी वाई यू आर लंदन के नाम से जाने वाली एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल ब्रांड है, जो कि इस कंपनी का हिस्सा है, जिसको 1945 में उन्होंने बनाया, ब्ला ब्ला ब्ला। आगे मार्केटिंग क्या कर रहे हैं वो देख लें। मार्केटिंग मोटो है उनका, लिव द लंदन लुक, कि लंदन वाली लुक को जिंदा रखो अपने अंदर। अमेरिकन सेलिब्रिटी सेथ होगन, कियाना वेस्ट, मैथ्यू मैकोनहे, इनके साथ कैंपेन्स लॉन्च की हुई हैं। अक्टूबर 2021 के अंदर उन्होंने अनाउंस किया था कि डेनियल कोआलिया, रॉबर्ट पैटिसन और कैनेडियन एक्टर एपर ब्रेक जो है वो भी उन्हें ज्वाइन कर रहा है। विद इन अ फ्यू डेज उन्होंने अपनी पहली कैंपेन लॉन्च की, जिसकी वजह से उन्हें एक इंडिपेंडेंट टूथपेस्ट कंपनी बायराइट हो जैसे प्रोडक्ट्स भी उन्होंने लॉन्च किए। इंटरनेशनल मार्केट में वो फार्मेसी सुपरमार्केट्स में काम कर रही है, जैसे कि लंदन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड स्टेट्स। ये उनका विकिपीडिया का पेज है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है फिगरेटिव है, लिटरल नहीं है, ये फिक्टिशियस है कि एक उन्होंने अपने लिए ऐसी एक आइडेंटिटी बनाई हुई है उस कंपनी की, ताकि आप लोग समझ सकें कि कंपनी क्या है, कैसे काम कर रही है। सब दोस्तों को विकिपीडिया समझ में आ गया?
जी सर परफेक्ट मूविंग फॉरवर्ड अब बाय पर्सोनास को देखते हैं चार बाय पर्सोना है मार्केटिंग मिशेल फार्मास्यूटिकल फिल रियल्टर रिच और वेंडी द वेब डेवलपर अब जैन को स्टडी करते हैं आबिद भाई आप बताए बायो पर्सोना क्या होते हैं और वो हमें क्या बताते हैं बायर पर्सोना उसके जो डेमोग्राफिक्स हैं और उसकी जो इंटरेस्ट्स वगैरह हैं तो उसको देखते हुए फिर हम टारगेट करते हैं बायर्स को अच्छा आके भाई आप बताएं बायर पर्सोना क्या होता है क्या बताता है जी सर बायर पर्सोना जी जी आप बताइए सर ये हाइपोथेटिकल मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट हम उसको सर चार चीजें हम इसमें डिस्कस करते हैं कि एक वो थिंकिंग उसकी फिर सीइंग और दो चीजें गुड अच्छा आप लोगों ने अच्छे से डिफाइन किया मैं इसको जरा समझ आइडियल कस्टमर होता है उसकी जी जी एग्जैक्टली तो एक एक आप एब्स्ट्रैक्ट पर्सनैलिटी क्रिएट करते हो जो रियल नहीं होती बट वो आपके रियल कस्टमर से इंस्पायर्ड जरूर होती है आप उसके ऊपर इमेजिन करके बताते हो कि उस कस्टमर का बायर पर्सोना जो है किस तरीके से काम करेगा और क्या चीजें हैं जो कि उसे बाय करने में फायदेमंद या नुकसानदेह हो सकती हैं और तमाम चीजों को कंक्लूड करते हुए आप उसका बायर पर्सोना क्रिएट करते हो अब जब उस बायर पर्सोना के लिए आते था एक हमने चार पर्सोना क्रिएट किया उनको हम जब स्टडी करते हैं जल्दी से बल्कि आके भाई पहले नहीं बल्कि बशाद भाई आप स्टडी करवाएं ये फार्मास्यूटिकल फील्ड के बारे में स्टडी करवाएं बशाद भाई ये फार्मास्यूटिकल जो फील्ड जो है इसके गोल और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं अच्छा फार्मास्यूटिकल फील्ड जो है उसके गोल और ऑब्जेक्टिव डेवलप रिलेशनशिप विद हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड देयर स्टाफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो है सर उनके साथ रिलेशनशिप को कायम करना उनके स्टाफ के साथ सीआरएम रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर गुड हो गया सीआरएम जो सॉफ्टवेयर है मेरे साथ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर उसको सीखना ताकि आगे चले कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले सिक्योर ऑर्डर्स ऑर्डर्स को सिक्योर करना ठीक है एक सेल्स ग्रोथ प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल सेल्स ग्रोथ को डेवलप करना आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिव हाउसहोल्ड इनकम क्या होती है उसकी जो जितना खर्चा वो पैदा करता है सर हाउसहोल्ड नहीं नहीं हाउसहोल्ड इनकम होती है उसके घर की कमाई मिसाल के तौर पे अगर वो मियां बीवी दोनों कमा रहे हैं मेरी तनख्वाह अगर है 50,000 और मेरी बीवी की तनख्वाह 50,000 है तो हमारी हाउसहोल्ड इनकम होगी 1,00,000 रुपया ये बात समझ में आ रही है आपको तो इस तरह हाउसहोल्ड इनकम समझते हैं इसकी अगर हाउसहोल्ड इनकम 85,000 है ना तो इसका मतलब है कि एक सर्टेन अमाउंट इसकी ये बना रहा है और बाकी अमाउंट इसके घर में कोई और बंदा बना रहा है ठीक हो गया ठीक चले ये बात कैसे करता है लोगों से ये फोन के जरिए से ईमेल टेक्स्ट मैसेजिंग और फेस टू फेस ये गुड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन गुड ओके क्या चैलेंजेस क्या है चैलेंजेस सर क्विक एंड इजी मॉर्निंग रूटीन सेंसिटिव स्किन अच्छा सर ये क्विक एंड इजी मॉर्निंग रूटीन के सुबह सुबह जो है वो अपने आपको तैयार करना जल्दी और आसानी के साथ तो उसकी चैलेंज है उसकी स्किन सेंसिटिव है गुड और ओवर द काउंटर जो प्रोडक्ट्स उसने पहले से यूज किए उसके साथ उसका तजुर्बा अच्छा नहीं है वेरी गुड आंसर गुड अच्छा अब बशाद भाई अब मैं कुछ ऐसी बात पूछता हूँ जो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखी हुई जो इसके चैलेंजेस हैं इसको अगर आपने एज अ स्किन केयर कंपनी डील करना है तो आप कैसे डील करोगे उसके हम इस तरह डील करेंगे सर कि ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो सुबह के वक्त जो है वो जल्दी से एक इंसान जो है वो उठ जाए तो उसके चेहरे पे वो आ जाए वो ग्रूम वो तैयार हो जाए जल्दी से उसके अलावा जो सेंसिटिव स्किन है उसके मतलब भी हम रिसर्च करेंगे कि कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो सेंसिटिव स्किन को
और जो ऑलरेडी मार्केट में ओवर द काउंटर जो प्रोडक्ट्स है तो वो जिस किस्म के नेगेटिव बैड एक्सपीरियंसेस लोगों को दे रहे हैं तो उनको स्टडी करके उनको पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस में कन्वर्ट। शाबाश, वेरी गुड आंसर विशाद भाई, अ वेरी कंप्लीट आंसर, गुड जॉब। आगे चलते हैं, ये फार्मास्यूटिकल फील्ड सब लोगों ये वाला केस स्टडी सर में आ गई है फार्मास्यूटिकल फील्ड की। जी सर, गुड। अच्छा अब हम आगे चलते सर, आप बहुत कट रही आप। अच्छा सॉरी, मेरी आवाज आप सब दोस्तों को आ रही कैंडली, मुझे जरा हैंड अप करके बता दें। जी सर आ रही है। ओके गुड। अच्छा सब दोस्तों को आ रही है, सिर्फ आपको को नहीं आ रही? जी सर क्लियर आ रही है। ओके ओके थैंक यू। अच्छा आवेद भाई, जैसे कि मैं बता रहा था कि हमने फार्मास्यूटिकल फील्ड को समझ लिया, ठीक है, अब इसी हम अगले पे चलते हैं। इन सब चीजों को आप बाद में गहराई में भी स्टडी कर सकते हैं, बट बाकी चीजों को समझाना या पढ़ने का अभी फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें जब आप खुद से देख रहे होंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके समझ में आ जाएंगी। बट बेसिकली तमाम जो पर्सनैलिटीज क्रिएट की हुई है उन्होंने, उसके अंदर उनके बारे में बताया हुआ है कि वो लोग क्या काम कर रहे हैं, वो कैसे आपके प्रोडक्ट खरीदने में उन्हें इश्यूज क्या आ रही हैं, आप उन्हें कैसे टैकल कर सकते हैं, ठीक है। फिर हो गया, अब आगे वेंडी पे चलते हैं। वेंडी के लिए साद भाई आपकी हेल्प चाहिए होगी मुझे। जी सर। साद भाई ये बताएं वेंडी क्या कहती है? सर वो एक वेब डेवलपर है। गुड। और ये बताएं कि वो कितना पढ़ी हुई है? सर उसने मास्टर डिग्री की हुई है एमएस। गुड। और कैसे अपने दोस्तों से बातचीत करती है? सर वो कम्युनिकेशन मेथड जो प्रेफर करती है टेक्स्ट थ्रू टेक्स्ट ईमेल या इंस्टाग्राम। गुड गुड। और ऐसे मसले क्या आते हैं? जो एक एक नीस होती है उसके सॉल्यूशन के बारे उसका सॉल्यूशन चाहती है। गुड। होय और एक्सट्रीम ड्राई स्किन विंटर सीजन में जो होती है। गुड। आप इसका सॉल्यूशन क्या निकालोगे अगर आपने इसे मार्केट करना है तो? मार्केट करना, अगर मार्केट करना है तो ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं जो विंटर के दिनों में जो जो ड्राई स्किन ड्राई हो जाती है तो उसको मॉइस्चराइज करें। गुड। हो और एक जो एक्नी के लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसे खत्म करने के लिए उसको रिमूव करने के लिए तो ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करो। ठीक है। अगर आपने वेंडी को मार्केट करना होगा तो कौन सी जगह पे जाके मार्केट करोगे, कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर? सर मैं प्लेटफॉर्म तो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया जो फेसबुक वगैरह। गुड। बेसिकली इंस्टाग्राम ही मैं सुनना चाहता था, क्योंकि हमने तो देखा है कि इंस्टाग्राम पे अच्छा टाइम गुजार रही है, तो हम इंस्टाग्राम पे टारगेट करेंगे तो वेंडी तक जल्दी पहुंच जाएंगे, ऐसे ही है ना? गुड। दूसरा इसकी हाउसहोल्ड इनकम क्या है? 120K महीने के महंगा प्रोडक्ट भी खरीद सकती है, ऐसी तो महीने के कमा कोई प्रोडक्ट है जो हाई कैपेसिटी में है, हमने वेंडी को बेचना है तो हम इंस्टाग्राम पे जाके उसके मसलों को हल करके वहां पे बेच सकते हैं। ये सही बात, सही कहानी की समझ में आ गया? मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ? जी बिल्कुल समझ आ रही है। शाबाश शाबाश। चले वेंडी होगी, अब आगे चलते हैं मार्केटिंग मिशेल के ऊपर। मार्केटिंग मिशेल के पर मिस साहब आप आ जाएं। जी सर। भाई ये बताइए क्या काम करती है? एक मार्केटिंग मैनेजर है सर। गुड। कितना पढ़ी हुई है? बैचलर। गुड। और इसका बातचीत करने का कहाँ पे ज्यादा टाइम गुजारती है अपना? ये ईमेल और सोशल मीडिया पर और इसके अलावा मैसेजेस के थ्रू भी। गुड गुड। गोल्स क्या है इसकी लाइफ में? यानी कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करे, अपना स्टार्टअप लगाए। शाबाश वेरी गुड। अच्छा चैलेंजेस क्या है इसके? चैलेंजेस स्किन केयर इज नॉट हर फर्स्ट प्रायोरिटी, यानी जो स्किन केयर है इसकी कोई
प्रायोरिटी नहीं है इस पे काम करना. दूसरा वांट्स एन एज ए नो पसी और एज ही रहना चाहती. ओके मैं तो एक चीज क्लियर कर दूं, वो कह रही है कि स्किन की उसकी पहली प्रायोरिटी नहीं है, बट वो ये चाहती है कि उसे अगर उसने लगाना है तो कोई जल्दी से आसान सा हल हो जो वो लगाए उसका मामला खत्म हो जाए. मैं आपको इसकी एक और चीज दिखाता हूँ. ये मैंने फार्मास्यूटिकल फील्ड रीड किया था तो वो भी यही बताता है कि उसे क्विक और इजी चीज चाहिए, जल्दी से लगाया मामला खत्म. ऐसे ही है जी सर. उसी तरह मिशेल भी यही चाहती है कि उसका जल्दी से हो काम और उससे ज्यादा तंग ही ना हो. फॉर एग्जाम्पल कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें लगाने में एक घंटा लगता है, फिर बाद में उतारने में घंटा लगता है, वो काफी लंबी कहानी होती है. वो उतना टाइम नहीं लगा सकती है क्योंकि उसने अपना खुद की कंपनी लॉन्च करनी है, तो चाहती जल्दी जल्दी काम हो उसकी लाइफ में. ये बात समझ में आ रही है हम दोस्तों को? जी सर. गुड गुड. अच्छा एक और चीज नोटिस करें कि ये किस किस सोशल मीडिया पे है. फेसबुक पे भी है, इंस्टा पे भी है, ट्विटर पे भी है, लिंक्डइन पे भी है, पिंटरेस्ट पे भी है और पिंटरेस्ट पे भी. हाँ फार्मास्यूटिकल फील्ड को देखो, वो फेसबुक पे है, ट्विटर पे है, लिंक्डइन पे है, बट इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट पे नहीं है. जी सही है. रैंडी को देखो, वो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और लिंक्डइन पे है. रियल्टे को देखो, वो भी इन सब पे है बट पिंटरेस्ट पे नहीं है. तो एज इन के तमाम जो आपके ग्रुप्स हैं ना, लाजमी है तमाम चैनल पे मौजूद हों. कुछ ग्रुप्स हैं जो सर्टन चैनल्स पे मौजूद होंगे, कुछ सर्टन पे होंगे, तो आपने उनके लिहाज से वो फिर स्ट्रेटेजी क्रिएट करनी होती है. ये बात भी सब दोस्तों को समझ में आ रही है ना? जी सर. जी सर. गुड. चले ये अलग अलग फिल भी हो गया, वेंडी भी होगी, मिशेल भी होगी हमारी. आखिर में आ गए रियल्टे देश. ये अमीर बंदे के लिए लेट से आके भाई आप आ जाएं. जी सर. ये बताएं ये कौन है? ये एक रियल स्टेट एजेंट है सर, काम इसका रियल स्टेट का है. अच्छा कितना पढ़ा हुआ है? सर कॉलेज लेवल तक गया, डिग्री इसके पास कोई खास नहीं है सर. गुड. और कमा कितना रहा है? तकरीबन 120,000 शाबाश. चाहता क्या लाइफ में ये? सर डोंट वांट जॉब. ये जॉब नहीं चाहता बल्कि बिजनेस का, अपना खुद का बिजनेस करना चाहता है. इंडिपेंडेंट वर्किंग 100% कमीशन पे काम करना चाहता है. क्लोज ए ट्रांजैक्शन विद इन देयर फर्स्ट मंथ और जल्दी जल्दी कमाना चाहते हैं. ग्रेट ग्रेट गुड आंसर. चलो अब ये बताओ कि ये ज्यादातर टाइम कहां पे गुजारते हैं, इनके कम्युनिकेशन का तरीका क्या है? सर ये फोन पे ज्यादा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, टेक्स्ट मैसेजिंग, सोशल मीडिया पे, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें से. वेरी गुड. अच्छा ये बताएं इसके चैलेंजेस क्या हैं, इसको जो फेस कर रहा है स्किन के हिसाब से? हार्ड टू फाइंड प्रोडक्ट फॉर रेजर बम प्रोन स्किन. उसकी स्किन सर ड्राई और इटची स्किन है. और जो प्रोडक्ट रेजर बम किसे बोलते हैं सर? या जब आप शेव करते हैं ना कुछ लोग, तो शेव करने की वजह से ना उनकी स्किन के अंदर वो बम्प्स बनने की वजह से स्किन खराब हो जाती है. वो मैं आपको दिखा देता हूँ. ऐसे कुछ दोस्त है जो शेव करते हैं वो ज्यादा अच्छा तरीके से वैसे बता देगा. ये चीज बेसिकली स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? यस लोड हो रही है. अब आप ये नोटिस, हाँ ये ना बम्प्स बन जाते हैं जब आप शेव करते हैं ना अपनी स्किन की, तो इस तरह बम्प्स बन जाते हैं इन गोन हेयर की वजह से. तो वो मसले आ रहे थे कि इसकी स्किन के अंदर क्या इशू है कि इन बम्प्स बन रही हैं और उसके अलावा इन गोन हेयर्स की जैसे उसकी स्किन का कलर चेंज हो रहा है. तो इन चीजों को फेस करने के लिए वो कोई प्रोडक्ट चाहता है. सही आके भाई आप बता रहे थे. ठीक है सर. ओके हो गया. और यहाँ तो सब दोस्तों समय में आ गई है. जी सर. सर मुझे लगा आज इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा है, आधी आवाज आ रही है आधी आपकी आवाज नहीं आती, बाकी सबको आवाज आ रही है. या इंटरनेट का ना इशू आ रहा है, आपका नहीं सबका आ रहा है, तो टेंशन ना ले.
मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, उसमें आपके मसले हल हो जाएंगे ज्यादातर, ठीक है जी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, रियल टेस्ट भी हो गया हमारा, अब ये आ गई हमारी वेबसाइट, और पीछे क्या देखिए अलग अलग है आपका, ये कंपनी आएगी, ठीक है? गुड। अच्छा गाइस, ये हमारी वेबसाइट है, अब ये वेबसाइट देखो कहाँ कहाँ पे काम कर रहे थे, किसी को याद है कोई मुझे बताया, बिशाद भाई या कोई दोस्त बता सकते हैं ये जो कंपनी PYU आ रहा है कौन कौन सी नीच में कौन कौन सी जगह पे काम कर रही है? यूके, गुड, स्किन केयर, गुड। नहीं, मैं लोकेशन से एक्चुअली पूछना चाह रहा था। अच्छा, हमने विकिपीडिया के पेज में रीड किया था कि कौन कौन सी लोकेशन पे काम कर रही है। यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, गुड हो गया। बेसिकली मैंने काफी इन जो है वो हाई क्लास जगहों पे काम कर रहे हैं, उनकी वेबसाइट की ये कुछ प्रोडक्ट्स की फोटो बनाई है, ये उनकी वेबसाइट है, ये उनका टेस्टिमोनियल, उनके प्रोडक्ट्स यूज करना थे का, दूसरी चीजें, न्यूज़लेटर और इनके दूसरे चैनल्स, ठीक है? ये इनकी वेबसाइट भी सब दोस्तों ने देख लिया। अब आगे चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ, जो आप लोगों ने करना क्या है। ये आपको फाइल मिलेगी, इस फाइल को यूज करते हुए आपने ऑर्गेनिक सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी टेम्पलेट क्रिएट करना है, और उसके अंदर आपने कुछ सर्टेन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बिफोर वी प्रोसीड एनी फर्दर, आज की क्लास खत्म होने में 8 मिनट रह गए हैं, तो इस पहले कि हम आगे चले या आज की क्लास को कंक्लूड करें, अभी तक जो बातें हुई हैं किसी को कोई क्वेश्चन काइंडली पूछ लें। क्लियर है सर? और सर ये फाइनल प्रोजेक्ट होगा इस सीरीज का? जी सर, ये फाइनल प्रोजेक्ट होगा। ठीक है सर, इसको फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। श्योर श्योर, हम नेक्स्ट क्लास में, बट मैं चाह रहा था आपको नेक्स्ट क्लास, मैंने ये अगली आखिरी जो दो क्लासेस हैं उससे पहले पहले सबको रेडी करवा दूं ताकि किसी कोई चीज़ रह ना जाए, तो हम इसको कंक्लूड तभी कर लेंगे। अच्छा, तो सर पिछले हफ्ते जी जी पिछले हफ्ते जी पिछले हफ्ते कोई क्लास हुई थी सैटरडे को? जी जी सर, मैं क्लास होती है सर, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल में शेयर नहीं हुई, मैंने अटेंड नहीं किया था, मैं नहीं अवेलेबल नहीं था। कोई इशू नहीं है, आप इस समय Zoom पे जाके एक बार चेक कर लें, Zoom कह रहा हूँ, ईमेल पे अगर नहीं आएगा तो मुझे बता दे, मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है सर, ठीक। ओके, नहीं शेयर की थी सर, नहीं की थी वैसे लास्ट क्लास में, बात क्या की थी मुझे ये भी याद नहीं अभी सर। प्रोजेक्ट के ऊपर ही बात की थी सर, जो हमने पिछला प्रोजेक्ट किया था गूगल एनालिटिक्स के। ओके ओके, हमने प्रोजेक्ट 2 को रिवाइज किया था जी सर, शायद इसीलिए शेयर नहीं की होगी मैंने, प्रोजेक्ट 2 को ही वाइस किया था तो उसकी कोडिंग शेयर की होगी शायद इसलिए, तो मैं कोडिंग शेयर कर दूंगा। मिस्टर भाई आप फिर भी ना प्रोजेक्ट 2 फोकस कीजिएगा कि वो क्लियर हो जाए आपका, ठीक है? ठीक है सर, ओके गुड हो गया। आई गेस आज की क्लास को फिर यहीं पे कंक्लूड कर लेते हैं, ये इसको मैं एक बार जल्दी से आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर हो क्या रहा है, और फिर हम आगे जो हमने अगली में जो बातें करनी है उसको एक बार देख लेते हैं। ये चीजें इस क्लास के अंदर कि आपकी इनसाइट ऑब्जर्वेशन क्या है इस प्रोजेक्ट के लिहाज से, क्या इम्प्रूवमेंट या रिकमेंडेशन आप दे सकते हैं, आपने प्लेटफॉर्म्स का बताना है कि किन तीन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे आप काम करना चाहोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या पिंटरेस्ट पे काम करना चाहता हूँ, तो फिर आपने उनका बताना है कि नाम बताओ, फिर उनकी जस्टिफिकेशन दो कि फेसबुक पे क्यों ऐड लगानी है, इंस्टा पे क्यों लगानी है, पिंटरेस्ट पे क्यों लगानी है, इस तरह की, ठीक है? फिर ये है कि आपने अपनी ऑडियंस को डिफाइन करना है, उनकी इमेजेस लगाओ, उनके बारे में बताओ कि ये मेरी ऑडियंस है, उसकी ये डेमोग्राफ है 3 बुलेट्स के अंदर। फिर आपने एक सैंपल पोस्ट क्रिएट करके इधर लगा दिया, कैलेंडर बना के लगा दिया कि आपने कैलेंडर के अंदर किस दिन कौन सी पोस्ट करनी है, अपॉर्चुनिटी पे आपने बता दिया ग्रोथ स्ट्रेटजी में, फिर पेड की कैंपेन का आपने बता देना कि कौन सी चीजों पे काम करना है आपने,
किस कैंपेन पे कितना बजट लगाना है, किस प्लेटफॉर्म पे रन करनी है, आपकी डेमोग्राफ क्या होंगे, टारगेटिंग क्या होगी, बिहेवियर टारगेटिंग क्या होगी, मॉकअप्स क्या होंगे आपके, ए बी पोस्ट कैसे बनाओगे आप, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आप क्या चीज़ों को देखोगे, इन सब चीज़ों को देखते हुए आपने फिर को सेटअप करना है, और इस तरीके से आपका तीसरा प्रोजेक्ट भी कम्प्लीट हो जाएगा। आप लोगों को इनमें से आधी चीज़ें मैंने ऐसे करवा दी हैं, तो अगर आप लोग इसे ट्राई आउट करना चाहो तो देख लेना, ना कोई इशू नहीं है, अगली क्लास में इसको इसके साथ हम आज को कंक्लूड करते हैं। पूछ लें, क्लियर है सर, देखने में इजी लग रहा है, इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। अच्छा, सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है ना, इट्स कंसिडरेबली वेरी इजी, अब टेंशन वाली बात नहीं है। द मेन थिंग इज टू बिल्ड अ कनेक्शन विद योर ऑडियंस। ये मैं आप सब दोस्तों को बार बार यही बात रिपीट कर रहा हूँ कि ऑडियंस के साथ जब कनेक्शन बिल्ड कर लेना, उसके लिए इशू नहीं आएगा। पहला काम अपने पेज के ऊपर ऑडियंस आ गई है, फिर उसे अपनी ऑडियंस को इंगेज करना ताकि वो आपके पेज को छोड़ के जाए ना, कनेक्शन बिल्ड करना, ये वो जो आपको अपने कंपेटिटर से बेहतर या अफजल बनाएगी। ठीक हो गया जी सर, क्लियर हो गया। गुड गुड, जो कोई क्वेश्चन है, कोई इशू है तो गाइड पूछ लें, अदर हम आज दिन फ्यू मिनट करने वाले हैं। I hope everyone is okay with this. जी सर। अच्छा guys, two अभी किसके साथ रहता है? क्या आप बता सकते हैं? Project two सर मेरा रहता है। अच्छा, आपके बाप का क्या? मेरा भी रहता है सर। मुझसे पूछ रहे सर? जी आपका हो गया ना? वो उसके एक दिन बाद हो गया सर, first submission में हो गया। अच्छा तो गाइस, मेरी पूरी उम्मीद है कि आप जब नेक्स्ट सेशन भी आएंगे तो आप सबका प्रोजेक्ट टू क्लियर हो गया होगा, बट अगर फिर भी किसी बच्चे का कोई प्रोजेक्ट में इश्यू आए तो प्लीज स्लैक पे मैसेज कर दीजिएगा। अगर एक्स्ट्रा क्लास रखनी तो एक्स्ट्रा क्लास भी रख लेंगे ताकि हमारे अगली क्लास से पहले पहले टू क्लियर हो। ओके 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 गाइस, आई थिंक दैट्स इट फॉर मी। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपनी तबीयत का, अपने घर वालों का सलाम दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।